हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे मेजर टेस्ट सीरीज एमटीएस के टेस्ट नंबर 3 की, जिसमें पार्ट वन फिजिक्स जेई मेंस। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि स्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। स्फेयर को ए एक्सेलरेशन से आगे चला जाता है। तो आपसे पूछा गया कि जब ऑब्जेक्ट इस स्फेयर से कॉन्टेक्ट खत्म करेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, है ना? और वो स्पीड किसके रिलेटिव पूछी, स्फेयर के रिलेटिव। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सब कुछ स्फेयर के रिलेटिव करता है ना अपन को, तो अपन स्फेयर के रिलेटिव ही ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन स्फेयर तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको क्या करना है, फिर स्यूडो फोर्स लगाना है किस पे, जिसको आप एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ढंग से इसको समझना आप। ये स्फेयर था, है ना? यहां से ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स मुझे लगाना है। एक तो कौन सा लगेगा, स्यूडो फोर्स एम इंटू ए, ए नॉट, और ए नॉट कितना है, जी। साथ में इस पे एक और कौन सा फोर्स लग रहा है, एन और एम जी। भाई एन और एम जी तो लग नहीं है, लेकिन हम स्फेयर के रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए साथ में एक स्यूडो फोर्स भी लगाना है। जब ऑब्जेक्ट मान लो इतना चल के आया होगा और वो फिर कॉन्टेक्ट लीव करेगा, एक और डायग्राम बनाता हूं। मान लो ऑब्जेक्ट इतना चल के आएगा, उस वक्त इसका कॉन्टेक्ट खत्म होगा, तब मैंने मान लिया इसका ये एंगल थीटा था, ठीक है? अब ध्यान समझना बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट जब इतने एंगल पे आ चुका है, तो देखो इस पे फोर्स स्यूडो वाला तो अभी भी लग ही रहा है ना, ये जो स्यूडो फोर्स है ये तो अभी भी काम कर रहा है। साथ में इस पे एमजी लग रहा होगा, और ये स्यूडो फोर्स है ना, स्यूडो फोर्स भी कितना है, एमजी के इक्वल ही है, तो इसको एमजी लिख देता हूं मैं। और इधर क्या लगेगा, एक नॉर्मल, ठीक है? अब ये एंगल अगर थीटा है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो देखो इस केस में ध्यान से समझना, ये भी थीटा बन जाएगा, है ना? अब इस केस में ध्यान समझना, जो वर्क डन है इन सारे फोर्सेस का, है ना, वो सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखता हूँ, वर्क डन बाई एफ प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर डेल्टा के प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल भी लिख देते हैं। नॉर्मल का वर्क डन वैसे जीरो आएगा, बाय वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के होता है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम की। फोर्स का वर्क क्या जाएगा, देखो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस हुआ एक्स डायरेक्शन में, तो ये अगर टोटल आर है तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, आर साइन थीटा, और ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है? तो देखो फोर्स का वर्क जो आपका स्यूडो फोर्स था, उसका वर्क क्या आएगा, एम इंटू जी आर साइन थीटा। ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। नॉर्मल का वर्क जीरो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन, ठीक है? पहली इक्वेशन बन जाएगी आराम से। अब इसके बाद आप दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाओगे, देखो जब ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट खत्म करेगा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब उस इंस्टेंट पे इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा, एम जी का इधर वाला कंपोनेंट और इस स्यूडो फोर्स का उधर वाले कंपोनेंट को माइनस करो। तो एक बार मैं यहाँ पे इसे इक्वेशन लिखता हूँ, कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, दूसरी एफ सी इक्वेशन, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन। कैसे लिखूंगा, एम जी का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आ रहा है कौन सा है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है? एम जी अब ये स्यूडो फोर्स का वो कंपोनेंट जो सेंटर से दूर आ रहा है वो क्या आएगा, देखो ये सॉरी ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल तो है ना, एक बार डायग्राम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, है ना? ये यहां पे ये एंगल तो कितना हो जाएगा, एम जी, ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स एम ए एम जी, और ये हो जाएगा नॉर्मल, ये थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? अब देखो तो एम जी का ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो यहां पे एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एन प्रोवाइड्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ओके? अब देखो एम जी साइन थीटा, इस पूरे को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो इससे अपने पास एम वी स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी।
तो इन दोनों इक्वेशन इसको जब आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या रहेगा, एम जी आर कॉस थीटा माइनस एम जी आर साइन थीटा, नॉर्मल को तो जीरो कर दो क्योंकि कॉन्टैक्ट लीव हो रहा है, बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी ना, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगी। अब फर्स्ट और आर तो हट ही जाएगा ना यहाँ से, तो एम वी स्क्वायर आएगा बस, बराबर एम वी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ोगे तो एम जी आर साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से आपको कॉस थीटा की वैल्यू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो देखो एम जी आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें अपन। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड करोगे बाय वन प्लस टू। तो इक्वेशन वन टू को ऐड करने पे एम जी आर साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा हटेगा, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा और ये कॉस थीटा हटेगा, तो इधर बचेगा एम जी आर, इधर बचेगा 3/2 एम वी स्क्वायर। तो इससे वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा 2gr/3। ये मेरा सेकेंड ऑप्शन, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक में आपको पूछा है कि मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो ताकि ब्लॉक ना पलटे। तो देखो, और यहाँ पे बोले कि सफिशियंट फ्रिक्शन इसमें सरफेस में है ना, तो एक ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है, ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है तो ब्लॉक पीछे पलटने की कोशिश करेगा। तो बोल रहे हैं कि ट्रक को कितना मिनिमम एक्सेलरेशन रखना चाहिए है ना, ताकि ब्लॉक पलट जाए, है ना। देखो दो कंडीशन होती है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो ताकि ना पलटे, या कितना मिनिमम एक्सेलरेशन हो ताकि पलट जाए। दोनों कंडीशन सेम है ना, मतलब दोनों कंडीशन में आपको जस्ट टॉपलिंग वाली कंडीशन क्रिएट करनी है। तो ये जैसे मान लो ब्लॉक है, अब हम ट्रक के रिलेटिव ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ट्रक के रिलेटिव क्या होगा, ये ट्रक जब आगे जाएगा तो ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पे क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स लगेगा। लेकिन ये स्यूडो फोर्स जो है वो इसको पलटाने की कोशिश करेगा, तो इसको बचाने का काम कौन करेगा, बचाने का काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमें ये पता है कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही है जितना एफ है, क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है। अब इसमें एक फोर्स और कौन सा लग रहा है इधर सेंटर पे, एम जी, और एक नॉर्मल जो जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन में इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऐसे टॉपल होगा ना, तो नॉर्मल यहाँ आ चुका है। अब नॉर्मल के अबाउट देखो, कॉन्टेक्ट टॉपलिंग जब होती है तो इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस बन जाती है, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देता हूँ। तो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम कौन कर रहा है, टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स, और क्लॉकवाइज बचाने का काम कौन कर रहा है, एम जी। तो इस केस में जस्ट टॉपलिंग की जो कंडीशन आएगी, जस्ट टॉपल अगर वो करता है तो उस कंडीशन में हमें पता है कि टॉर्क कौन सा वाला, पलटाने वाला। तो जो पलटाने वाला टॉर्क है और टॉर्क जो है बचाने वाला, वो इक्वल होना चाहिए। अब देखो पलटाने वाला टॉर्क कौन सा है, पलटाने वाला टॉर्क है स्यूडो फोर्स का, तो ये हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, h/2 है ना, और ये एम जी की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली आएगी आपके पास विड्थ का आधा, यानी कि w/2। तो पलटाने वाला टॉर्क के फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा एम जी इंटू, तो एच कितना आएगा, आपसे पूछा है एक्सलरेशन है ना, g/w/h। g/w कितना आपके पास 15, h कितना है 60, तो g/4, g की वैल्यू डाल दो 10/4, कितना आएगा 2.5 m/s² फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका अगर जब ऑब्जेक्ट जस्ट पलटने की कंडीशन में आएगा तो पक्की बात है उस वक्त जस्ट पलटते वक्त पलटाने वाले टॉर्क को जस्ट ही एम जी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ट्रक ने एक्सलरेशन और बढ़ा दिया तो स्यूडो फोर्स तो बढ़ जाएगा है ना, इसलिए उसका टॉर्क भी बढ़ जाएगा, बट एम जी तो इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, इसलिए फिर पलटाने वाला टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट पलट जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, इसमें ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ना पलटे, तो
तो भी आपका यही आंसर आएगा कि इतना मैक्सिमम रखो तो ना पलटे, और इतना मिनिमम है पलटाने के लिए, मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन दोनों तरफ काउंट होती है। ओके, आगे आता है थर्ड क्वेश्चन, तो एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर ले बेटा। आगे आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक मास दिया हुआ है एम, और इसको आर बाई टू पे एक टनल बना के छोड़ा है। तो आपको बताना है जब ये इसके सेंटर पे पहुंचेगा मास, है ना, तो उसका उसकी स्पीड क्या होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे जब ये पार्टिकल सेंटर पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा सेंटर, मतलब यहाँ पहुंचेगा क्यों पहुंचेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसको ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है, उस अट्रैक्शन का एक फोर्स। अब देखो ऐसे तो आ नहीं सकता, चलेगा तो वो सुरंग के अलोंग, तो सुरंग के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का उसको चलाने का काम करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ वर्कडन करके निकालेंगे तो हमारे पास दिक्कत है, क्योंकि फोर्स जो है वो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल होता है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या तो फिर तो इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम सिंपल सा काम क्या ले रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, कि जितना पोटेंशियल में लॉस आएगा। देखो ऑब्जेक्ट जब अपने आप मोशन करता है तो इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आएगा वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। पोटेंशियल में लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल जब वो सरफेस पे था तो उसकी एनर्जी क्या थी, जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन आर। फाइनल जब वो यहाँ पे आ चुका है, तो देखो यहाँ पे आया तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, आर बाई टू। तो फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखें, फाइनल पोटेंशियल में साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो एम इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं ना। अब एम तो अपनी जगह, ये क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब आर बाई टू। भाई अंदर वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यही तरीका काम में लेना होता है। जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो उसका मास लिखो, और प्लेनेट की वजह से उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख दो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्फेरिकल प्लेनेट का यही होता है अंदर वाले पॉइंट के लिए, टू एम अपॉन जी एम अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है यहाँ पे, स्मॉल आर है आर बाई टू, ठीक है इस पॉइंट के लिए। तो अब ये सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, जी कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है ठीक है, माइनस में टू आर क्यूब, ये कितना आ जाएगा, चार तीन बारह ग्यारह बटा चार आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इलेवन जी एम स्मॉल एम फोर आर एट आर, ठीक है। अब इसको यहां लिख दो, अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11 बाई 8 है ना, ये तो प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो 11 बाई 8 को माइनस करोगे, माइनस 1 जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन आर हाफ एम वी स्क्वायर, इससे कटेगा तो आपका वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा 2 से चर कटेगा तो 3 बाई 4 जी एम बाई आर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, कौन सा आंसर आएगा बेटा इसका, थर्ड ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन इसमें। आगे आते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, एक बार यहाँ तक नोट करें। अगला आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गिवन है, एक डिस्क गिवन है एम मास आर रेडियस की, इसको आपने दो स्प्रिंग से इस तरह से अटैच किया हुआ है, और आपको बताना है कि अगर आपने इस स्प्रिंग को, इस डिस्क को थोड़ा सा घुमा के, है ना, थोड़ा सा इसको रोल करवा दिया, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आपने इसको रिलीज किया है, तो आपको बताना है कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए कितना इसमें टाइम पीरियड होगा। तो देखो इसको अगर हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें, है ना, तो उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान समझना। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इसको शिफ्ट कर दिया होगा, है ना, तो ये इतना इसमें मान लो थीटा का डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। मान लो अपनी पोजिशन से मैंने इसको थोड़ा सा यूं ऐसे शिफ्ट किया पीछे, और मैं इसमें ध्यान रखना प्योर रोलिंग करवा रहा हूँ, प्योर रोलिंग करवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह से मैंने इसको शिफ्ट किया होगा, तो ये इस तरह से मान लो थीटा एंगल बना होगा किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो थीटा एंगल बनेगा तो इसकी वजह से इन दोनों स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आएगा, इसमें तो एक्सटेंशन आएगा और इसमें कंप्रेशन आएगा, तो ये जो एक्सटेंशन होगा, है ना,
ये जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन कितना होगा इसका, एक्स वन मान लेता हूँ और इसका कंप्रेशन में एक्स टू मान लेता हूँ, तो एक्स वन कितना आएगा, एक्स वन आएगा आर साइन थीटा, लेकिन स्मॉल एंगल है इसलिए आर थीटा कर देंगे। इसी तरह से एक्स टू क्या आएगा, देखो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा ना, तो एक्स टू यहाँ से लेना है फिर आपको, तो आर प्लस आर बाई टू, तो थ्री आर बाई टू वही थीटा। अब इसकी वजह से फोर्सेस क्रिएट होंगे, तो इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास F1 और इधर से कंप्रेशन कैसा आएगा F2, है ना, तो F1 F2 और इधर कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा मान लो सपोज, है ना, तो फ्रिक्शन भी अपन ने मान लिया। ठीक है, अब देखो इसको रिस्टोर करवाना है, काम कौन करेगा, देखो इसमें नॉर्मल एम जी फ्रिक्शन वो सब तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से निकलेंगे, तो इस केस में इसको जो रिस्टोर करवाने का काम करेगा वो करेगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकालोगे आप इस केस में, देखो टॉर्क रीस्टोरिंग बराबर आई अल्फा, रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा एफ वन इंटू आर बाई टू, एफ वन इंटू आर प्लस एफ टू इंटू थ्री आर बाई टू, ये सब मैंने इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट लिखा है ना, और आई कितना हो जाएगा कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट, इनर्शिया कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर और अल्फा। ठीक है, तो एफ वन की वैल्यू यहां से डालोगे आर थीटा, तो ये हो जाएगा कि आर इंटू थीटा प्लस आर, एफ टू कितना है, एफ टू है टू के इंटू एक्स, एक्स कितना है थ्री आर बाई टू थीटा का स्क्वायर, नहीं थ्री आर स्क्वायर नहीं आएगा ना, ओके ये आएगा थ्री आर बाई टू बराबर कितना करूंगा मैं इसको थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, देखो के और टू के सारी वैल्यू डालने के बाद जब आप सॉल्व करोगे बेटा इसको, तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी अल्फा बराबर 11 के बाई थ्री एम, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा आएगा 11 के बाई थ्री एम थीटा। ठीक है, अब अल्फा में अल्फा वाली इक्वेशन में थीटा के अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, ये होता है अपने पास ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा 11 के बाई थ्री एम और ये क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ 3 एम बाई 11 के। ओके तो सिंपल आपको यहाँ पे एक टॉर्क इक्वेशन बनानी है और उस टॉर्क इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अल्फा को थीटा के टर्म्स में निकालना है स्मॉल एंगल के टर्म्स में। ठीक है, तो आपको इजीली यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। ओके बच्चों स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें 3m बाई 11 के, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ओके तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको है ना, इसमें आपको एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है ना, उस सिलेंडर में आपने एक स्फेरिकल कैविटी करी, ध्यान रखना सिलेंडर कह लो कोई एक और सिलेंड्रिकल कैविटी नहीं है, सिलेंडर के अंदर स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक सिलेंडर है, ये इन्फाइनेट तक जा रहा है ना, ये सिलेंडर ऐसे लॉन्ग सिलेंडर है इन्फाइनेट तक जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक्सिस से आपने इस तरह से एक स्फेयर बनाया, ध्यान रखना ये कैविटी कैसी स्फेरिकल कैविटी है ना, बाकी सब जगह चार्ज है इस तरह से, तो आपको बताना है कि जो एक्सिस के बाहर यहां पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे ये पॉइंट कितना दूर लिया अपन ने, ये पॉइंट अपन ने लिया है यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, तो वो इस स्फेयर के सेंटर से कितना हुआ 3r बाई टू और इस तार के सिलेंडर से कितना हुआ 2r। आपको इस P पॉइंट पे नेट फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखो इस P पॉइंट पे नेट फील्ड कौन कौन बनाएगा, EP पहले तो बनेगा E बाई सिलेंडर, है ना, सिलेंडर फील्ड बनाएगा वो, प्लस E बाई स्फेयर। अब सुपर पोजिशन करवाएंगे देखो अपन फील्ड का, अपन क्या करेंगे जहां स्फेयर है ना वहां पे अपन मान लेंगे नेगेटिव डेंसिटी का स्फेयर, तो एक तो पूरा सिलेंडर मान लो पॉजिटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज का एक स्फेयर मान लो, है ना, तो आप इस तरह से इस पे सुपर पोजिशन करवा के करोगे,
तो ये यहाँ पे अपन नेगेटिव चार्ज का एक स्फेयर मान लेते हैं। तो जो भी फील्ड आएगा, देखो पॉजिटिव सिलेंडर की वजह से फील्ड किधर आएगा, पॉजिटिव सिलेंडर का फील्ड तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव स्फेयर का फील्ड किधर आएगा, टूवर्ड्स द चार्ज, इस तरह से आ जाएगा। तो ई टू और ई वन है ना, तो मुझे ई वन ई टू की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी बात है। अब ई वन कैसे निकालोगे, देखो सॉलिड सिलेंडर का फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर के बाहर जब पॉइंट होता है तो ये सिलेंडर एक पूरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह काम करता है। लॉन्ग वायर के लिए कोई पॉइंट अगर बाहर हो तो उस पर फील्ड होता है 2k λr, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर का फील्ड, इसको मैं बोलता हूँ ई वन, और ये क्या हो जाएगा ई वन आई कैप में, और ये हो जाएगा ई टू माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों, क्योंकि स्फेयर में नेगेटिव डेंसिटी अपन ने मानी है इसलिए। तो फाइनली मेरे पास आएगा ई वन माइनस ई टू। अब ई वन क्या हो जाएगा, साइड में अपन ई वन को सॉल्व कर लेते हैं। ई वन होगा 2k λ/r। अब 2 की जगह तो 2, k होता है 1/4πε0। अब लैम्डा, लैम्डा को कैसे लिखूंगा मैं, लैम्डा हो जाएगा रो इंटू एरिया ऑफ वायर रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे इसको, देखो 2 1/4πε0 रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, 2 से 2 खत्म है ना, आर से एक आर खत्म, पाई से पाई खत्म, तो ये आ रहा है मेरे पास रो आर अपॉन 4ε0। तो ये तो ई वन की वैल्यू हो जाएगी रो आर अपॉन 3ε0। ई टू कैसे निकालूंगा, देखो ई टू के लिए एक स्फेयर के बाहर पॉइंट है, तो स्फेयर की वजह से बाहर फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है ना। अब स्फेयर का चार्ज कैसे निकालूंगा, पहले तो इसको लिख दो 1/4πε0, ठीक है, रो माइनस। अब माइनस देखो, अपन ने माइनस का इफेक्ट पहले डायरेक्शन में दिखा दिया, इसलिए अब मैं केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ है ना। वैसे तो इस पे नेगेटिव आएगा तो मैं अभी फिलहाल माइनस लिखता हूँ, बाद में वैल्यू लिख देंगे ना। रो इंटू 4π/r/2 3 अपॉन आर कितना है 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 4π से 4π कट जाएगा है ना, ये हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा, 4 कटेगा तो इधर कितना जाएगा, ये आएगा अपने पास देखो 4/3, 4π से 4π कटेगा, ये आ जाएगा रो आर क्यूब 3 की पावर 8 3 24, ठीक है, 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और उसके बाद ε0 आ जाएगा साथ में, फिर आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर 4, ठीक है, तो आ जाएगा 54 है ना। तो ये कितना आएगा रो आर अपॉन 54 ε0। तो यहाँ पे लिख दो रो, अच्छा यहाँ 4 लिखना है अपन को, रो आर अपॉन 54 ε0। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, रो बाहर आर बाहर ε0 बाहर 54 × 4 54 − 4, तो ये 50 से आ जाएगा 27 × 4 108, तो ऊपर बचेगा 25, तो 25 रो आर अपॉन 108 ε0। ये आपके पास देखो, तो आपको इसमें क्या करना था, एक जब भी देखो कोई कैविटी हटाते हैं ना तो उसका कंसेप्ट ही होता है, आप चाहे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन करो इस तरह के, आप चाहे रोटेशन के क्वेश्चन करो, जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में से कोई कैविटी हटाते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव मास मान के ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे बस दो सिस्टम मानने, एक सिलेंडर है सॉलिड और एक स्फेयर है सॉलिड, उन दोनों की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड निकाल के केवल आपको क्या करना था बेटा, उसको आपको उस पॉइंट को यहाँ पे ये दो फील्ड आ जाएंगे ना ई वन ई टू, तो आपको ई वन ई टू का सुपर पोजिशन करवाना है, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। तो ई वन ई टू कैलकुलेट करने में देखो अपन ने इन कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, सुपर पोजिशन सीख लिया, ये सब अच्छे क्वेश्चन है जो आपकी फाइनल प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर रहे हैं। आप केवल ये ना सोचे कि ये एक ही क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपने देखो इतने सारे कंसेप्ट को रिवाइज भी तो किया कि रो से लैम्डा कैसे निकालते हैं है ना, सॉलिड सिलेंडर के बाहर फील्ड कैसे निकालते हैं, स्फेयर के बाहर फील्ड कैसे निकालते हैं, सुपर पोजिशन कैसे करते हैं, ये सब आपने सीखा है, ठीक है बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, तो ये फोर्थ आंसर आपका
यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसे आपने 100 वोल्ट से चार्ज किया, ठीक है। फिर बैटरी हटा के उसको आपने डायलेक्ट्रिक भर दिया उसके अंदर, है ना। तो देखो क्या हुआ है, सबसे पहले ए की बात करते हैं, है ना। ए के लिए आपने क्या किया, एक कैपेसिटर था, उसको आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, है ना। तो बैटरी तो नहीं लगाते, खैर अपन एक कैपेसिटर को आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, 100 वोल्ट एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और ये कितना कैपेसिटेंस था, 1 माइक्रोफेरेड। तो 1 माइक्रोफेरेड के इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आएगा प्लस 100, इधर तो आएगा प्लस 100 और इधर आएगा माइनस 100 माइक्रोफेरेड। फिर आपने इसी के बाद इसी में 100 वोल्ट से चार्ज करने का, इस पे आपने एक डायलेक्ट्रिक डाला बाद में, तो ऐसा करके फिर आपने उसको बैटरी को हटाया, तो बैटरी को हटा दिया, इसका मतलब पहले बैटरी कनेक्टेड थी 100 वोल्ट की, ठीक है। तो अब आपने बैटरी को हटा करके, है ना, तो बैटरी को हटाया तो 100 माइक्रो कूलम तो यहाँ पे जो आना था वो आ चुका है ना। अब आपने बैटरी का कनेक्शन हटा दिया, फिर आपने उसके बाद क्या करा, इसमें आपने इसमें एक डायलेक्ट्रिक भी डाला, ये बाद में किया आपने, बैटरी पहले बैटरी हटाई है, तो उसके बाद आपने क्या करा, एक डायलेक्ट्रिक यहाँ डाल दिया। डायलेक्ट्रिक डालने से देखो सी तो बढ़ गया, सी डैश कितना हो गया, के इंटू सी ए, तो के 4 × 1 यानी कि 4, सी डैश तो इतना हो गया। पहले सी कितना था, पहले सी था 1, ठीक है, पहले सी इसका 1 था, अब आपने डायलेक्ट्रिक जैसे डाला इसका सी 4 हो गया, ठीक है। लेकिन इस दौरान चार्ज चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपने बैटरी हटा दी थी, बैटरी हटा दी तो चार्ज ना तो आ सकता है ना जा सकता है। तो अब ये कैपेसिटर वो है जिसके अंदर चार्ज 100 माइक्रो कूलम है और उसकी कैपेसिटेंस अब 4 हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास बी एक और कैपेसिटर है, बी में आपने क्या करा है, एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो सी बराबर 2, ठीक है, इसको बी बोल देते हैं, और इसको आपने 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस 40 माइनस 40। फिर आपने इसकी भी बैटरी को हटा के इसको, है ना, प्लस 40 माइनस 40 और ये 2 माइक्रोफेरेड। अब आपने क्या करा, इन दोनों का कनेक्शन किया है, कैसे कनेक्शन किया है, अपोजिट पोलैरिटी को आपने कनेक्ट किया है। तो देखो इसको अपोजिट पोलैरिटी को जब आप कनेक्ट करोगे तो ए का प्लस माइनस, बी का माइनस और प्लस, उनको आप जोड़ रहे हो, है ना। प्लस इसके अंदर तो एक डायलेक्ट्रिक भी भरा हुआ है, ठीक है, इधर कितना था, प्लस 100 माइनस 100 प्लस 40 माइनस का 40, अपोजिट पोलैरिटी को जोड़ा ना आपने, तो ये माइनस 40 और ये प्लस 40, फिर इनको आप जोड़ोगे इस तरह से आपने जोड़ दिया। तो देखो अब आपको कॉमन वोल्टेज निकालना पड़ेगा, कॉमन वोल्टेज कितना आएगा इसका, कॉमन वोल्टेज के लिए आप इस तरफ की प्लेट्स का चार्ज कंजर्व करवा के इसको सॉल्व करते हो। तो कॉमन वोल्टेज के लिए देखो क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल, कौन सी, इन दोनों प्लेट्स का। तो जब कॉमन वोल्टेज आएगा तो अपन ये मान लेते हैं कि इनका वोल्टेज जब कॉमन हो जाएगा तो इनके इनके लिए जो फाइनल वोल्टेज बनेगा, एक बार देखो, कॉमन वोल्टेज आने के बाद अब कॉमन वोल्टेज जब आएगा तो इन दोनों प्लेट्स पे जो अभी चार्ज है टोटल, बाद में भी तो रहेगा, मान लिया कॉमन वोल्टेज कितना है, V है, तो इसका जो इनिशियल चार्ज है लेफ्ट साइड की प्लेट का उतना ही फाइनल भी रहेगा। तो चार्जेस को जब मैं कंजर्व कराऊंगा तो क्या हो जाएगा इसमें, Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, इनिशियल कितना है 100 प्लस ऑफ माइनस 40 बराबर 4 × V प्लस 2 × V, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 60/6, तो V कितना आ जाएगा 10, V 10 आते ही आपका Q1 कितना हो जाएगा, QA कितना हो जाएगा, QA हो जाएगा 10 × 4 = 40, और QB कितना हो जाएगा 10 × 2 = 20। ये तो आपके फाइनल चार्ज आ गए, है ना, फाइनल चार्ज पता है, इनिशियल आपको चार्ज पता है इस पे। तो देखो मैं सबसे पहले सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालता हूँ, इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास, इनिशियल एनर्जी आएगी हाफ CV स्क्वायर, C कितना है, हाफ
सी है चार, वी कितना था, या क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी से कर लेते ना अपन, तो यू इनिशियल आ जाएगा, इसका क्यू कितना है 100 स्क्वायर अपॉन 2 × 4, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पे 1250, ये सब माइक्रो जूल में आएगा। अब प्लस दूसरे वाले की कितनी है, दूसरे वाले का चार्ज है 40 स्क्वायर अपॉन 2 × 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी होता है ना फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो 400 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 400, तो इनकी इनिशियल एनर्जी आएगी 1650। फाइनल एनर्जी भी निकाल लो ऐसे आप, फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, चार्ज कितना आया था एक पे 40 का स्क्वायर अपॉन 2 × c, 1600/8 कितना हो जाएगा, 1600/8 200, और दूसरे वाले की एनर्जी क्या आएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो ये जाएगा 400/4 यानी कि 100, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 300, और पहले कितनी 1650, तो पहले की थी 1650, बाद में फाइनल बचेगी 300, तो लॉस कितना आ रहा है 1350 का लॉस आ रहा है, 1350 माइक्रो जूल में, ध्यान रखना, तो मिली जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले इनिशियल कैपेसिटेंस से आपको फाइनल कैपेसिटेंस निकाल के चार्ज और कैपेसिटेंस निकालना है, बी के लिए सॉल्व करना है, फिर आपने चार्ज कनेक्शन करने के पहले जो चार्ज था लेफ्ट साइड की दोनों प्लेट का और राइट साइड की दोनों, लेफ्ट साइड की दोनों प्लेट का बाद का चार्ज, उनको कंजर्व करवा के आप कॉमन पोटेंशियल निकालोगे, फिर उनके अलग अलग चार्जेस निकालोगे, फिर एनर्जी निकालोगे, फिर उसका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन जिसमें आपको हीट कितनी डेवलप हो रही है बताना है, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें कैपेसिटर के आपके रिवाइज हुए, इसमें आपको डायलैक्ट्रिक का कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया है ना, डायलैक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है वो रिवाइज हो गया, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन सिक्स का थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं 7th पे। 7th क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 3m मास और 3l लेंथ के एक वायर को मोड़ के आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इसमें इस तरह से इसको लटका दिया। अब इसमें वर्टिकली अपवर्ड एक ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बी लगाया है ना, तो आपने क्या करा, एक वायर से इसे ट्रायंगल को लटकाया, उसमें बी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यू चार्ज फ्लो करवा दिया। तो देखो, क्यू चार्ज अगर फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, और करंट की वजह से क्या आता है, टॉर्क, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क क्या आता है, NIA × B, एम क्रॉस बी होता है ना, तो इसमें जब करंट इस लूप में फ्लो करेगा तो टॉर्क तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आएगा, बी उसके परपेंडिकुलर है, तो MB sin 90, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी है ना, MB sin θ होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, मान लो चार्ज ऐसे फ्लो करवाओगे तो बाहर की तरफ आएगा एम, और बी से परपेंडिकुलर, इसलिए टॉर्क आ जाएगा इतना। वन लूप चार्ज, मान लो क्यू चार्ज टी टाइम के लिए फ्लो हुआ होगा है ना, एरिया हो जाएगा, अब देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये एक ट्रायंगल है एल साइड लेंथ का, तो ये एल, ये इसकी हाइट क्या आ जाएगी, √3l/2, तो ये हाइट तो आएगी √3l/2, और ये एल है, तो एरिया आएगा ½ base × height यानी कि √3/4l², तो IAB आ गया, तो ये इसके पास टॉर्क आ गया। अब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा IA। सबसे पहले मैं इनर्शिया निकाल लेता हूँ, इनर्शिया कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान समझना, ये मेरे पास ट्रायंगल है और ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो इसकी इस साइड की डिस्टेंस कितनी है, ये तो डिस्टेंस है √3l/2 है ना, तो इस साइड का इनर्शिया पहले मैं इस वन वाली का निकालता हूँ, तो I1 + I2 + I3। अब देखो इसमें इनर्शिया का कंसेप्ट काम आ गया, अब आपको पहले तो इनर्शिया और फाइंड करना है इसमें, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसमें एम मास जो है वो पूरा का पूरा इस रॉड का हर पार्टिकल एक्सिस से √3l/2 पे है ना, क्योंकि ये रॉड जो है, ये जो एक्सिस है वो इस रॉड के तो पैरेलल है, तो इसमें सारे पार्टिकल, चाहे इस रॉड का आप कितने भी पार्टिकल मानो, देखो ये सारे के सारे पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है, √3l/2 डिस्टेंस पे, तो पहले वाले का तो आ जाएगा इतना इनर्शिया, ठीक है। अब I2 और I3, ये 2 और 3 इनको बोल रहा हूँ, अब 2 और 3 का इनर्शिया सेम आएगा, तो M मास की एक रॉड से, जैसे आपके पास एक कंसेप्ट होता है कि एक पास M मास की एक रॉड है, उससे एक्सिस अगर एंड से जाए और थीटा एंगल एक्सिस और रॉड के बीच में बने,
तो आपके पास इनर्शिया क्या आता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये है 60 डिग्री दोनों तरफ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगलों से ये एंगल बीच का 60 है और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 होता है, तो 60 60 और बीच का भी 60। तो आई टू और आई थ्री इक्वल आएंगे, कितना आएंगे है ना, तो आई टू और आई थ्री को इक्वल करके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई टू और आई थ्री दोनों इक्वल आएंगे, कितना आएंगे, एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर यानी कि 3/4, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई फोर। ये एक रोड का, ऐसी दो रोड है मेरे पास, तो एम एल स्क्वायर बाई फोर, तो 3/4 और 1/2 5/4 एम एल स्क्वायर। ये तो केवल क्या आया मेरे पास, इनर्शिया आ गया। अब टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, तो आई अल्फा इज तो आई की वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम एल स्क्वायर 5/4 अल्फा। अब ये दोनों इक्वेशन देखो टॉर्क की है, तो दोनों को इक्वल कर दो आपस में, ये सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, तो दोनों से देखो तो क्या जाएगा, क्यू बाई टी इज रूट थ्री एल स्क्वायर क्यू बाई थ्री इंटू रूट थ्री बाई फोर एल स्क्वायर बी बराबर 5 ml² / 4 अल्फा। अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म है ना, और इससे आपको अल्फा इंटू टी क्या मिलेगा, 4 से 4 खत्म, तो ये हो जाएगा रूट थ्री क्यू बी अपॉन एम 5, इससे ये अल्फा टी की वैल्यू हो जाएगी है ना। अब अल्फा इंटू टी क्या होता है, अल्फा इंटू टी ओमेगा हो जाएगा, भाई ओमेगा कैसे निकालोगे आप, अल्फा डॉट डी टी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया था ना, से डी ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा बराबर अल्फा डॉट टी। अब अल्फा टी की वैल्यू क्या आ रही है, रूट थ्री क्यू बी अपॉन 5 m, तो ये रूट थ्री क्यू बी अपॉन 5 m, दिस इज वॉट ऑप्शन करेक्ट, कि इसको चार्ज से जैसे थोड़ा सा चार्ज एक छोटे से इंटरवल के लिए पास होगा, इससे कुछ करंट फ्लो करेगी जो इसको घुमाने का काम करेगा, उस करंट के उससे टॉर्क आएगा, वो टॉर्क इसको घुमाएगा, तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा इस एक्सेस के अबाउट, मतलब ये झटके से ऐसे ऐसे लटका हुआ था ना, मान लो लूप ऐसे लटका हुआ, हाथों ऐसे घूम जाएगा है ना, ये लूप ऐसे लटका हुआ है, तो ये हाथों थोड़ा सा ऐसे घूम के स्पीड गेन कर लेगा, ठीक है। चलो ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें 8th पे। 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक लेंस गिवन है ना, एक बार ये आप 7th का सॉल्यूशन नोट कर लो, ये थोड़ा सा इजीली देख लेना यहाँ पे। अब आते हैं अपन 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसका अपर्चर डायमीटर 8 सेंटीमीटर है और लेंस की मैक्सिमम थिकनेस जो बीच में होती है वो आपको 4 mm दी हुई है। आपको बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या है। देखो ध्यान समझना इसको, ये आपके पास लेंस हो गया। अब इसको अगर हम एक ऐसा स्फेयर, देखो लेंस जो है स्फेरिकल लेंस किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होता ना है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको इमेजिन करें, देखो ध्यान समझना, ये मान लो कि स्फेयर है, इस स्फेयर से ही अपन ने लेंस बनाया होगा, ठीक है, तो इसकी ये लेंस इस तरह से बनाया हुआ है। अब देखो यहां पे ये तो ये पूरी तो है रेडियस, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको दिए 4 mm, और रेडियस कितनी दी इन्होंने, रेडियस दिए मेरे को 8 सेंटीमीटर। कौन सी अच्छा इसका अपर्चर डायमीटर है 8, तो रेडियस को मुझे r मानना है, अपर्चर डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ये वाला डायमीटर है इसका, ये यहां से यहां तक ये जो डायमीटर इसको बोलते हैं अपर्चर डायमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अब ये 8 है तो इसको mm में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 80 mm, उसका भी आधा करूंगा तो ये डिस्टेंस क्या आएगी 40 mm, और ये कितना आएगा r-4। अब इस ट्राइंगल को पकड़ो बस आप, r ये है 40 और ये है r-4। जब इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस, ये 90 डिग्री बन रहा है, आर स्क्वायर बराबर 40 स्क्वायर प्लस r-4 का स्क्वायर,
आर स्क्वायर बराबर 1600 प्लस आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8R, ठीक है। तो 8R बराबर 1600, R बराबर 202। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, 1/202। तो इससे आपके पास कितना आएगा, 1/404। अब ये जो 404 है बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली है, अच्छा इसमें 1/r1 - 1/r2 होता है, पर दूसरी सरफेस प्लेन है ना, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, तो 1/r1 - 1/r2 में एक फैक्टर जीरो आ जाएगा। तो इससे फोकल लेंथ क्या आ रही है आपके पास, 404 mm, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें 9th क्वेश्चन पे, एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर लें आप लोग। अब 9th क्वेश्चन में आपको यहां पर एक लाइट दी हुई है, 400 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है, और इसको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन यानी कि वर्क फंक्शन के एक सरफेस पे गिराया गया है। फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, देखो हुआ क्या है, यहाँ पे ध्यान समझना, एक सरफेस है इस तरह से, है ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे आपने सबसे पहले क्या करा, एक फोटोन डाला, इस फोटोन ने क्या करा, इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन जाके मिला किससे, He2+, He2+ मतलब अल्फा, तो यहां एक अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ था, उसके साथ जाके उसकी कुछ ऑर्बिट्स थी, है ना। अब ये कौन सी ऑर्बिट में घुस गया उस अल्फा पार्टिकल की, है ना, यहां पे एक अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ था, तो इसकी अलग अलग ऑर्बिट होती है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब ये अल्फा पार्टिकल की कौन सी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट तो नॉर्मल स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब दूसरी वाली स्टेट, दूसरा वाला ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड मतलब तीसरा ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड मतलब तृतीय उत्तेजन अवस्था मतलब कि चौथी ऑर्बिट। तो ये चौथी ऑर्बिट में जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इस जगह आके घूमने लग गया, है ना, मतलब वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां पे आके घूमने लग गया। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, इस दौरान भी उसने एकाध फोटोन को वापस इमिट किया होगा, है ना, इसने जब ये घूम रहा था तब इसने वापस एक फोटोन को और इमिट किया, तो इस प्रोसेस में उसने जो फोटोन इमिट किया उस फोटोन की एनर्जी आपसे पूछी है। अब इसने दोबारा फोटोन क्यों इमिट किया वो भी हमको समझना है, चलो समझते वन बाय वन चीजों को सॉल्व करते हैं। पहले जो फोटोन आया उसकी एनर्जी निकालो, 1240/400 नैनोमीटर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आ जाएगी, 4 से कटेगा 3, 1 यानी कि 3.1, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का तो फोटोन आया था, उसमें से 2.3 आपकी चली गई, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, काइनेटिक एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन की E1 माइनस वर्क फंक्शन 3.1 माइनस 2.3 यानी कि 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी जब ये यहां से निकला, है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन निकला ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था, इलेक्ट्रॉन जब निकला था ये यहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकला, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास, है ना, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे ही इसको बाद में एक अल्फा पार्टिकल मिला, वो उसके ऑर्बिट में समाना चाह रहा है, अब अल्फा पार्टिकल के ऑर्बिट में आने के बाद इसकी फाइनल एनर्जी कितनी रहेगी, यहां आने के बाद इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, यहां इसकी फाइनल एनर्जी देखो -13.6 n² / z² n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, तो n² यानी कि -13.6 z² / n² होता ना, तो z² कितना हो जाएगा मेरे पास 2² / n² यानी 4²
13.64 और 16 तो 1/4 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 से 3 बार कटेगा तो 3.4, मतलब 3.4 माइनस में इसकी फाइनल एनर्जी है। अब ध्यान समझना, अब मैं केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास, फॉर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकला उसके पास इनिशियल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, है ना। तो एनर्जी इनिशियल जो थी वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में थी, और वो कितनी थी, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वो फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया एटम के अंदर, जब वो घूमने लग गया, तो उसकी फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल, ये टोटल एनर्जी है। इसमें अब ये मत सोचना कि काइनेटिक और पोटेंशियल अलग से निकालनी पड़ेगी, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की टोटल, ये दोनों मिला के 3.4 आ रहा है। तो इसका मतलब उसकी फाइनल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस में जा रही है, माइनस में भी कितनी जा रही है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करी होगी, पहले 0.8 से 0 पे आया होगा और 0 के बाद फिर माइनस में भी आया होगा। तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई, लॉस कितना हुआ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लॉस आएगा 0.8 माइनस 3.4, माइनस ऑफ माइनस 3.4, है ना। तो फाइनल लॉस जो निकालेंगे, तो कितना आएगा इसमें, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस आया। अब ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ किस दौरान, जब वो यहां से निकला और जब वो यहां समाया, इस दौरान उसमें लॉस हुआ है। अब ये जो लॉस हुआ वो किसमें गया होगा, ये गया एक E2 एनर्जी का फोटोन। भाई एनर्जी लॉस कैसे हुआ होगा, सोचो कोलिजन तो हुई नहीं उसकी, वो तो स्पेस में चल रहा है, तो स्पेस में चल रहा है मतलब इसके अट्रैक्शन ने इसको खींचा होगा, खींचा होगा ना। तो इसका मतलब इसकी जब ये अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इसकी तरफ आया होगा, तो ये सेल्फ प्रोसेस है ना, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है सिस्टम की एनर्जी कम हुई होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो फोटोन रिलीज हो जाएगा। तो इस केस में जो फोटोन रिलीज हुआ होगा वो कितनी एनर्जी का फोटोन होगा, E2, जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो लॉस है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस कितना है, 4.2 आएगा। तो यहां लॉस कितना आ जाएगा, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो लॉस हुआ वही किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी फोटोन की एनर्जी में, है ना। तो देखो इसमें कितने कंसेप्ट आ गए अपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट आ गया, प्लस इसमें आपके जो बोर कंसेप्ट था वो भी आ गया, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 9th क्वेश्चन है ना, आराम से इसको समझे, नोट करें, है ना। चलो आगे बढ़े 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। तो एक स्क्रू गेज का आपको पिच दिया हुआ है, स्कूल उसके जो स्क्रू सर्कुलर स्केल होता है उसके पैमाने में आपको 100 हिस्से दिए हुए हैं, आपको इसको डायमीटर मेजर करने काम में लेना है, और 2 mm उसका जो है रीडिंग आ रही है। तो और जो स्फेरिकल सर्कुलर स्केल है उसका 58वां हिस्सा मैच कर रहा है। तो देखो रीडिंग कैसे लिखते हैं अपन इसकी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग, और सर्कुलर रीडिंग के बाद यहां पे इनटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसका, लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। पिच कितना है इसका, पिच है 1 mm, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने इसके, 100, तो यह आ जाएगा 1/100 mm, है ना। अब यहां देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी आपकी, 2 mm प्लस 58, और ये कितना हो जाएगा, 1/100 mm, तो ये कितना आएगा आपका आंसर, 2.58 mm, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में देखो आपको यहां पे एक, देखो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सिलेंडर है ना, उसमें एक तरफ स्प्रिंग लगा रखी है आपने, ये हिस्सा वैक्यूम है पूरा का पूरा,
दूसरी तरफ गैस भरी हुई है और एक बीच में एक पिन से आपने इस पिस्टन को रोका हुआ है। ये पिस्टन की वजह से गैस जो है केवल इतने हिस्से में है। इसकी इनिशियल लेंथ कितनी देखिए, इसकी इनिशियल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपको ये प्रेशर जो इनिशियल दिया हुआ है P1 दिया हुआ है इस गैस का कितना, 101 किलो पास्कल। फिर आपने बोला कि जैसे आपने पिन हटाया, पिन हटाने के बाद ऑब्वियसली बात है देखो गैस का प्रेशर जो है वो इधर ऐसे इस पिस्टन को धक्का देगा। शुरुआत में यहां से कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेंड स्प्रिंग है, मतलब उसमें कोई कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं है, तो इसका स्प्रिंग तो कुछ फोर्स लगाएगी नहीं। दूसरा यहाँ पे वैक्यूम भी तो नहीं है फोर्स लगाने के लिए, तो जैसे आप ये पिन हटाओगे ये जो गैस का प्रेशर है वो इसको धक्का देगा ना पिस्टन को, तो पिस्टन इधर जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि जब तक ये पिस्टन मूव कर रहा है तो कब तक मूव कर रहा है देखो, उसके लिए इन्होंने बोला कि पिस्टन जब मूव करेगा तो ये पिस्टन जो है वो 20 सेंटीमीटर और सरक गया। ये बोलता ना कि लंबाई जो गैस से भरा हुआ चैम्बर है उसकी लंबाई डबल हो रही है, तो इसका मतलब ये इतना सरक गया होगा पिस्टन, ठीक है। तो ये जो गैस वाला हिस्सा है उसका वॉल्यूम तो क्या हो गया, डबल हो गया। और दूसरा यहां से जो स्प्रिंग थी, ये वाली जो स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग भी कौन सी कंडीशन में चली गई, ये स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस। अब ये बोल रहे कि ये लेंथ डबल हो रही, तो ये 20 का कंप्रेशन इसमें आ गया स्प्रिंग में। तो अब देखो फाइनल जब स्टडी स्टेट आएगी, अब ये बोल रहे कि फाइनली स्प्रिंग अब रुक चुकी है मैक्सिमम कंप्रेशन आते वक्त, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब ये फाइनली इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना, जब ये फाइनली इक्विलिब्रियम में आएगा तो लेंथ डबल हो चुकी है पहले से, पहले 20 थी अब टोटल कितनी हुई 40, 20 ये और 20 ये। तो इसमें अभी बोल रहे हैं कि यहां से जो फाइनल प्रेशर लग रहा होगा P2 उसको किसने बैलेंस किया होगा, स्प्रिंग ने, तभी तो इक्विलिब्रियम पोजिशन आएगी। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि P1V1 बराबर P2V2 ना। अब देखो लेंथ डबल होने से वॉल्यूम डबल हो रहा है गैस का, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ P2 एरिया इंटू 12, भाई लेंथ डबल करी ना अपन ने, तो P2 कितना हो जाएगा P1/2। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि गैस जितना प्रेशर लगाएगी उतना ही स्प्रिंग भी बैलेंस कर देगी। तो पिस्टन के लिए इक्विलिब्रियम अगर हमें देखना है, फॉर पिस्टन, पिस्टन के लिए नेट फोर्स क्या करना है, जीरो। इसका मतलब फोर्स बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू फोर्स बाय गैस। अब स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा, के एक्स, गैस का फोर्स क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, के आपको बताना है। एक्स कितना है 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो 10^-2। P2 कितना है, P1 का आधा, यानी कि 101 किलो को 10^3 लिख दूंगा, डिवाइड बाय 2। एरिया कितना रहेगा, पाई, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का स्क्वायर, ठीक है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। बस अब इस डेटा को आपको सॉल्व करना है, इस डेटा को सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें 1982, है ना। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी आपके पास K की वैल्यू आएगी 1982, क्या आएगा है? वही न्यूटन पर मीटर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ 1.982 न्यूटन पर mm। मैं 10^3 को नीचे लेके 10^-3 मीटर लिखोगे, 10^-3 मीटर बराबर 1 mm होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले सकते हो, 2 न्यूटन पर mm। तो ये आपके पास 2 न्यूटन पर mm, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन, ओके। तो ये आपका 11th क्वेश्चन, एक बार नोट कर ले इसको, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में बोल रहे कि एक तना हुआ स्टील का वायर है जिसमें आपने टेंशन इतना है और इसमें एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड v है। फिर ये बोल रहे कि आपने टेंशन को कुछ चेंज किया और स्पीड को v/2 कर दिया। तो देखो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √T/μ, मतलब वी डैश, तो वी जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, √T पे, तो v/v' बराबर t/t'। t कितना हो जाएगा इस केस में, t हो जाएगा
टेंशन, अब देखो इसमें स्पीड को आधा करना है ना, तो वी और इसको करो वी बाई टू टी बाई टी डैश। इसका मतलब टी डैश जो है वो पक्की बात है कितना हो जाएगा, टी बाई फोर। टेंशन को 1/4 करना है तो पहले कितना था, 2.06 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 to the power 4, तो ये हो जाएगा 20.6 10 to the power 3 by 4, तो 5.15 10 power 3 ये आ जाएगा टी डैश की वैल्यू न्यूटन में। ठीक है, तो 5.15 10 पावर 3 न्यूटन, ये आपका 12th का थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे दो डायोड दिए हुए सर्किट में, है ना, तो आपको आपको ये बताना है इस केस में कि जो सर्किट में आरएमएस पावर है वो कितनी आएगी, है ना। फुल देखो आरएमएस आपको फुल साइकिल के लिए बताना होता है। सबसे पहले अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो इस तरह से आपके पास एक डायोड है, ठीक है, ये 2R, ये R और ये आपके पास सर्किट। अब आप इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करोगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि इधर प्लस इधर माइनस, तो इस पे जैसे प्लस माइनस और इस पे प्लस माइनस आएगा, ये तो ऑन हो जाएगा लेकिन ये हो जाएगा ऑफ। ऑफ होते ही ये डायोड तो ऑफ हो गया, तो ये पूरी ब्रांच ही कट जाएगी, तो अपने पास केवल क्या बचेगा, इधर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो अपने पास बचेगा केवल ये सर्किट। तो देखो इस ब्रांच को हटा दो, ये ब्रांच को आप हटा ही दो पूरे को, तो इस ब्रांच को तो कनेक्शन हट ही गया ना, तो आपके पास केवल ये बचेगा। आप तो इस केस में आपके पास देखो ये दोनों पैरेलल और फिर ये, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा आर नेट, कितना आएगा इस केस में 2R और 2R, तो 2R पैरेलल 2R मतलब R, तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा वी, इस केस में आपको जो पावर एवरेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब रेजिस्टेंस सर्किट में तो कॉस फाई 1 ही होता है, तो वी आर एम एस कितना है, वी डेल्टा वी है बेसिकली, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई आर। तो ये पॉजिटिव हाफ, तो इसकी वजह से कितनी एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी E1, ये आएगी पावर एवरेज 1, इसको 1 बोल दो क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की, इनटू टाइम डेल्टा टी। तो टाइम कितना लगा इसमें, पावर एवरेज आएगी डेल्टा वी का स्क्वायर बटा आर इंटू टी बाई टू, पहली इक्वेशन। अब इसी में जब आप इसको नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ काम में लोगे, तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा उसको एक बार और बनाता हूं मैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आर टू आर आर ठीक है। अब इसमें देखो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि अब आप पोलैरिटी रिवर्स करो, इसकी पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो क्या होगा, इस केस में देखो ये प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो पूरा हट गया, तो ये ब्रांच को पूरी को हटा दो, अब कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा भी देंगे तो, क्योंकि ये रिवर्स में चल रहा है डायोड और आपकी ये ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये आर उस आर के साथ देखो 3R 4R पैरेलल में, तो 3/4 + R, तो ये हो जाएगा 7/4, तो इस केस का आर नेट क्या आएगा आपके पास 7R/4। इसकी एवरेज पावर 2 क्या आएगी, इसकी एवरेज पावर 2 आएगी डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन 7R/4। फिर इसकी एवरेज एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, डेल्टा वी का स्क्वायर 7R/4 T/2। तो देखो मेरे पास इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मुझे इसमें बताना है एवरेज पावर फुल साइकिल के लिए, है ना। तो फुल साइकिल के लिए आपको एवरेज पावर जो है वो बतानी है, तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा,
एनर्जी टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम, भाई टोटल कितने टाइम में टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, है ना। तो दोनों हाफ साइकिल का टाइम मिला के टी और दोनों तरह की एनर्जी मिला के ये, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। और टी बाई टू देखो दोनों में आ रहा है तो टी बाई टू भी कॉमन ले लो, प्लस यहाँ क्या जाएगा, यहाँ तो वन बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा फोर बाई सेवन, और इधर आ जाएगा टी, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा सात चार ग्यारह, तो यह आ जाएगा ग्यारह बटा चौदह। अब 11 बटा 14 कितना होता है सॉल्व करने पे ऑलमोस्ट 0.8 आएगा, तो आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन आर 0.8। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको दोनों हाफ साइकिल की, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो निकालो, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो निकालो, फिर उससे टोटल एनर्जी निकालो, और फिर टोटल पावर के लिए क्या करोगे टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम, इससे आपको एवरेज पावर मिल जाएगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे आपको करंट के भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और साथ में डायोड को किस तरह से ऑन ऑफ करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स देख के वो भी क्लियर हो रहा है। ओके बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखो फुल आपकी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, आपको सारे चैप्टर के कंसेप्ट को इस तरह से रिवाइज करवाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है ना, इस इजी क्वेश्चन में आपको देखो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी गई है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपको एक लाइट बीम का एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंटिन्यूसली वेरी करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम बाद जो है ये, इसने बोला है कि जब अगर इंसिडेंस एंगल जो है वो 60 हो जाए तो लाइट जो है वो कंप्लीट पोलराइज मिलेगी। तो इसका मतलब 60 डिग्री क्या है, ब्रूस्टर एंगल, है ना। तो ब्रूस्टर एंगल जो है या पोलराइजेशन एंगल जो है वो 60 है, तो टेन थीटा B बराबर क्या होता है म्यू के इक्वल, तो म्यू कितना हो जाएगा 1060 मतलब रूट थ्री, तो ये रूट थ्री, ये एक इजी क्वेश्चन। तो देखो इस तरह से पेपर में इजी क्वेश्चंस भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी है, ये ऑलराउंड पेपर में आपको यही देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद के लिए रखना है ना। तो ये सब चीजें इसमें सीखने को मिलती है पेपर के थ्रू, जो कि आप पेपर के थ्रू ही सीख सकते हो। आगे आते हैं हमारे 15th क्वेश्चन पे। देखो 15th क्वेश्चन में क्या किया आपको, एक स्फेयर है जिसको रोटेट करवा रहे हो, स्फेयर में पूरे में चार्ज दिया हुआ है ना। अब ये पूरे में चार्ज इस तरह से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया और ये स्फेयर को आपने रोटेट करवाना शुरू करवा दिया, तो ये पूछ रहे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, वो अगर इस तरह से एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमे आर रेडियस के पाथ पे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, एन की वैल्यू वन, आई क्या होता है क्यू बाय टी, और ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्यू टी क्या होता है टू पाई बाय ओमेगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई खत्म, तो क्यू ओमेगा बाय टू आर स्क्वायर। अब इसमें पता है हिंट क्या होता है, इसको याद रखने के लिए आपको अलग से याद नहीं रखना है, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला याद है ना सबके, चाहे वो पार्टिकल का हो, रिंग, डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इन सबके आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किए हुए। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किए तो उससे अगर कंपेयर करें, मान लो ये एम मास का पार्टिकल आर रेडियस के पाथ पे घूमता, तो इसमें जो एक्सिस यहां जा रही है उस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था सपोज करो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई बराबर एम आर स्क्वायर, यही आता ना। और ये क्या निकाला अपन ने, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट और आई में सिमिलरिटी क्या है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आता है, तो सिंपल एम की जगह क्या लिख दो क्यू ओमेगा बाई टू। अब देखो सॉलिड स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, यही आता है सॉलिड स्क्वायर का। अब एम की जगह क्या रिप्लेस करना है, क्यू ओमेगा बाई टू, बस इतना सा काम करना आपको, तो Q ओमेगा बाई टू आर स्क्वायर। अब आप अगर डेरिवेशन करना चाहो तो बिल्कुल वैसे ही कर लो जैसे आप इसके इनर्शिया का डेरिवेशन करते हो, पर नहीं करना है, इनर्शिया का डेरिवेशन आप करते हो तब स्टेप पूरी फॉलो करते ही हो आपको। अब इसमें बस ये सिमिलरिटी ध्यान रखनी है, एग्जाम का तरीका यही है, ठीक है। तो दो से दो काटो कितना आ जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फाइव, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरा, फोर्थ ऑप्शन, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो ये आपका 15th क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन में आपको इन दोनों गेट्स के बारे में बताना है कि दोनों कौन कौन से गेट हैं। तो इन गेट के बारे में हम देखेंगे। तो पहले गेट में देखो ये क्या है, ये है नेंड, ये क्या है नॉट। देखो इन्वर्टेड इनपुट करने के बाद इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट जो है वो हमेशा नॉट गेट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो आपने इसके दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया, तो ए मान लो सपोज यहाँ पे ए इनपुट है, तो यहाँ दोनों जगह ए जाएगा, ए डॉट ए का बार ये होता है ना, इसका आउटपुट वाई, तो वाई क्या आएगा, अब ए डॉट ए हमेशा ए आता है तो ए बार, तो देखो वाई जो आता है ए बार आता है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमन इनपुट। देखो दोनों इनपुट कॉमन की, कॉमन इनपुट एंड किसके जैसा है, नॉट के जैसा। तो नेंड प्लस नॉट क्या बनता है, नेंड प्लस नॉट, भाई आपने एक उल्टा किया वापस उल्टा किया तो ये तो बन गया एंड गेट, ठीक है। अब देखो ये वापस ये नॉट और नॉट, तो यहां आएगा ए बार बी बार, अब ए बार डॉट बी बार का फिर बार, और बुलियन रूल क्या कहता है, अलग अलग करके प्लस लगा दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो क्या बन गया मेरे पास और गेट, ये बन जाएगा। तो एक तो है एंड और और, एंड और मतलब कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया 16th का, क्लियर है। 17 में आपको ये बोला है कि करियर वेव का वोल्टेज जो है वो पीक वोल्टेज 12 वोल्ट है। इसमें आपको मैक्सिमम वोल्टेज उस वेव को जिसको आपको मैसेज, जिसको आपको कैरी करवा रहा है ना, उसका पीक वोल्टेज कितना होना चाहिए ताकि आप 75% मॉड्यूलेशन इंडेक्स गेन कर सको। देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है, 75% का मतलब होता है 3/4 मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये आपको बताना है। और ये आपको 12 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा AM बराबर 9 वोल्ट, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो पेपर में इस तरह के आसान क्वेश्चन भी होंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी होंगे, कुछ क्वेश्चन लेंथी भी होंगे, यही एक मिक्स्ड पेपर होता है। और यही आपकी तैयारी कितनी है, उस 3 घंटे में आप कितना एग्जीक्यूट कर पाते हो उसको सिखाता है। आगे बढ़ते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में आपको एक इस तरह का कोन जैसा है, एक कोन जैसा कंटेनर दिया हुआ है, उसमें आपने एक होल इस जगह कर दिया है ना। अब यहां से देखो पानी यू निकलेगा ना, तो ये पानी इस तरह से यू जाके यू आएगा इसे सरफेस पे, है ना, ये पानी इस तरह से टकराएगा। तो आपको सबसे पहले तो इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वी आ जाएगा अपने पास रूट टू जी एच, ये फ्लक्स स्पीड का फॉर्मूला है, और एच में इसको बोल रहा हूं 2g 13-8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको मैं अब डेटा को डायरेक्ट पुट करता हूँ, जी की वैल्यू 10, 13-8 सेंटीमीटर को 10^-2 करके पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 × 5 × 10^-2 1, तो 1 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मतलब इससे जो फ्लूड निकलेगा वो 1 m/s की स्पीड से बाहर निकलेगा। तो वेलोसिटी 1 m/s, ये तो ठीक ऑप्शन है, लेकिन और भी चेक करने है ना, ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ। कई लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखो उसमें एक ऑप्शन और है बोथ 1 और 2, तो आपको फिर ये दूसरा ऑप्शन भी चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। हो सकता है पहला ऑप्शन आपने निकाला वो सही है और आपने हाथों उसको टिक कर दिया, बाकी 3 ऑप्शन पड़े ही नहीं, तो बेटा गलत हो गया ना क्वेश्चन, तो क्योंकि गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। चलो दूसरा चेक करेंगे, तो वेलोसिटी कितनी आई 1, अब ये एंगल कितना है 37 ये एंगल है, तो ये यहां से देखो ये जितना एंगल होगा उतना ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, क्योंकि दीवार अगर वर्टिकल होती तो ये भी फिर हॉरिजॉन्टल निकलता ना। तो अब इस 37 की वजह से इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, ये तो आएगा 0.8 और ये आएगा 0.6। सबसे पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो कि इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन काम में ले लूँ वाई डायरेक्शन में, तो एस वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, एस वाई आएगा 8 cm 0.08, यू वाई कितना है 0.6 टी, ठीक है, और हाफ
टेन टी स्क्वायर, ये माइनस आएगा लेकिन, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, ये तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ माइनस का टेन, और देखो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही तो आ रहा है भाई, अल्टीमेटली लिक्विड यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन को नीचे वाली को नेगेटिव मान लेता हूँ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, हाफ टेन टी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कैपिटल टी कर दो चाहो तो, अब इसमें देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाँच टी स्क्वायर माइनस का पॉइंट सिक्स टी, 0.08 बराबर जीरो, इससे पहले तो टाइम निकालोगे तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, पॉइंट सिक्स का स्क्वायर होता है 0.36, फोर ए सी माइनस में अपॉन टू ए, तो ये कितना आएगा 0.6 प्लस माइनस, ये आएगा पाँच चौक 20, 20 यानी कि 1.6, 20 और 48 1.6, तो 1.96 हो जाएगा बाई 10, 1.96 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 1.4 का डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/10, तो 2/10 यानी कि सेकेंड्स, इतना तो आया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज के लिए सिंपल x कंपोनेंट इंटू टी, x कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है 0.8 इंटू टी 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू दिस, है ना, तो 0.8 इंटू दिस, ये टाइम कितना आ रहा है मेरे पास 2 सेकेंड आ रहा है ना 2/10, तो इस केस में अच्छा ये साथ में ओके ये भी है ना, ये अपना आ जाएगा, तो देखो अपना ये रेंज, लेकिन ये रेंज कहाँ से आ रही है, ये रेंज देखो आपको यहाँ पे, ये रेंज इस पॉइंट से आ रही है, तो इस पॉइंट से रेंज आई मेरे पास कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो आ रही है उसको मैं रेंज बोल रहा हूँ फिलहाल, तो ये रेंज कितनी आएगी मेरे पास, ये रेंज आएगी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट था, मतलब ये यहाँ से है रेंज, ये है ना, ये पूरी रेंज है ना, तो एक बार इसको मैं मिटाता हूँ, है ना, तो देखो ये तो 0.8 की स्पीड, तो ये जो मैंने रेंज निकाली वो ये वाली निकाली यहां से इस पॉइंट से, है ना, तो अब आपको रेंज कितनी मिल रही है, रेंज मिल रही है 0.16 मीटर, मतलब कि 16 सेंटीमीटर, लेकिन उन्होंने आपसे डिस्टेंस कौन सी पूछी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम बी पॉइंट, बी पॉइंट से बताना है, तो हमें तो ये वाली आर डैश पूछी उन्होंने, तो आर डैश क्या हो जाएगा, R में से ये स्मॉल डिस्टेंस x को माइनस कर दो, है ना, तो R डैश आपसे पूछा है, तो R डैश क्या आ जाएगा बेटा इस केस में, R डैश आ जाएगा R माइनस x, अब वो x कैसे निकालेंगे, देखो ये हाइट है ना, ये x है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 37 है, तो tan 37 कितना हो जाएगा x by 8 बराबर 3/4, तो x कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ x की वैल्यू 6 माइनस करो, 16 माइनस 6 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा R डैश, कोई कन्फ्यूजन इसमें, तो ये आपके पास यहाँ पे 18th क्वेश्चन बन जाएगा, जिसपे आपको टोटल रेंज निकालनी थी, तो रेंज उन्होंने B से T तक की पूछी, लेकिन B से T तक आप कैसे निकालोगे, पहले आपको इनिशियल से यहाँ तक निकालना है, उसमें से फिर ये x माइनस भी करना है, तो आपका सेकेंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, मतलब कि अब आप कौन सा टिक करोगे, थर्ड ऑप्शन, ओके बेटा, तो आपका 18th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन में आप यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास आपको 10 केजी दिया हुआ है और उसको अपन ने इस तरह से प्लेस कर दिया है ना, तो इस केस में इसमें 10 केजी मास में देखो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा कौन सा, एफ कॉस 30, ये क्या हो जाएगा एफ साइन 30, तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल बैलेंस करेगा एम जी प्लस एफ बाई 2। अब ये बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है 30 डिग्री,
है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी 30 डिग्री है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं पता है, जो नॉर्मल होता है और जो फ्रिक्शन लगता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि म्यू इंटू एन, है ना, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा मेरे पास, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल ये हो जाएगा 1/√3 म्यू एन अपॉन एन, एन से एन खत्म, तो म्यू कितना हो जाएगा 1/√3। अब जैसे म्यू 1/√3 आया, अब इसके बाद आपको बोल रहे कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इसको मोशन करवाने के लिए। देखो फोर्स की रिक्वायरमेंट पूछी है ना, तो फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, चलाने का काम कौन करता है, एफ कॉस थीटा, है ना, और रोकने का काम कौन करेगा, एफ कॉस थीटा। अगर मेरे पास ज़्यादा हो जाए, बराबर हो जाए लिमिटिंग से, तो मेरा काम चल जाएगा, यानी कि एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एन, यानी कि एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एन कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ बाई टू। अब यहाँ थीटा कितना है, ये थीटा भी 30 है ना, कॉस 30 रख दो इसको, कॉस 30 के लिए डाल दो √3/2, तो इसका मतलब एफ √3/2 माइनस का म्यू बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी, तो एफ √3/2 माइनस 1/√3/2 है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो एफ ये कितना आ जाएगा मेरे पास, म्यू की वैल्यू कितनी अपने पास, 1/√3 है ना, हाँ ठीक है, तो 1/√3, अच्छा 1/√3 यहाँ भी तो आएगा म्यू एम जी, तो यहाँ भी √3 आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का 1/√3 बराबर एम जी बाई √3 से √3 ख़त्म, तो f कितना आ रहा है मेरे पास, एम जी, एम जी कितना है 10 × 10 यानी कि 100, मतलब कि 100 जो है वो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, है ना। तो इसमें देखो एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट इन्होंने काम में ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं अपन 20th क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन में आपको क्या किया है, देखो आपको एक यहाँ पे इंजन के लिए रिटार्डेशन दिया हुआ है और ये पूछते हैं कि टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होनी है। सिंपल सी बात है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो डी वी बराबर माइनस के वी क्यूब, के को इधर लाओ, डी टी को इधर लाओ, वी क्यूब को अंदर कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो वी की पावर -3 + 1 - 3 + 1 लिमिट डाल दो वी नोट से वी माइनस ऑफ के टी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 बाहर निकाल लिया, 1/V² लिमिट डालोगे वी नोट से वी माइनस का के टी, माइनस से माइनस खत्म, तो 1/V² माइनस का 1/V02 बराबर 2 KT, ठीक है, तो इसको जब आप इधर लेके आओगे तो 1/V² बराबर 1/V02 प्लस 2 KT, तो ये कितना हो जाएगा, V02 अपॉन 1 + 2 KV02 t बराबर V², बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर 20 का। ये आपका जेई मेन का सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने इस सेक्शन को तो अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, आते हैं बच्चों हमारे अगले सेक्शन के पहले क्वेश्चन पे। इसमें आपको एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और मास इतने की स्ट्रिंग दी हुई है, तो इसका सबसे पहले पर यूनिट लेंथ मास निकाल लो T/m/L से, तो m कितना है 2.5 × 10⁻³ kg, लेंथ है 50 × 10⁻², तो ये आएगी 1/2 × 10⁻²। अब ये बोल रहे रस्सी जो है वो 50 सेंटीमीटर लेंथ की है, पाइप जो है वो 85 सेंटीमीटर का है, तो रस्सी का सेकेंड ओवरटोन और पाइप का क्या है फर्स्ट ओवरटोन, उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है 6 Hz का है, फर्स्ट ओवरटोन ये 6 Hz का डिफरेंस है, पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या आती है V /
4L, और फर्स्ट ओवरटोन में 3 टाइम्स होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2L रूट ऑफ T बाई म्यू। लेकिन ध्यान रखना L अलग है, ये स्ट्रिंग का है और ये पाइप का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है 6 हर्ट्ज। अच्छा, मैंने इसमें से इसको क्यों माइनस किया, क्योंकि उसने बोला है कि जब आप टेंशन को घटाते हो बीट फ्रीक्वेंसी भी घटती है, तो टेंशन को घटाने से ये तार की फ्रीक्वेंसी घटेगी, तार की फ्रीक्वेंसी घटेगी, उससे बीट अगर घट रहा है इसका मतलब पहले तार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और बाद में डिफरेंस कम हुआ होगा टेंशन को घटाने से, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन से अपन को क्या पता चल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे केवल ये पता चल रहा है कि इनिशियली तार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो तार माइनस पाइप करके ही 6 फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी बीट वाली, ठीक है। तो 3/2 एल कितना था, 85 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन, सॉरी ये तो 50 है ना तार की, तो तार की लेंथ को 0.5 लिख दो, टी कितना है इसमें, टेंशन ही बताना है, म्यू कितना था 1/2 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 बराबर 6 + 3, वी कितना है, वी दिया है हवा की स्पीड, हवा में साउंड की स्पीड 344, एल कितना दिया हुआ है आपको 85 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-2 इधर लिख देंगे अपन, तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, ये कटेगा 85 से 4 बार, 4 से 4 कट गया तो आएगा 306 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1, तो 3 है ना, तो 3 2t और ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 306। तो स्क्वायर कर दो एक बार, t बराबर 306 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर इंटू 200, तो 306 इंटू 306 9, 2 और 100। अब देखो इस चीज की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5200 / 100, कितना हो जाएगा 52। तो 52 रस्सी का टेंशन है, ये आपको इजीली यहां से पता लग गया। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि जब स्टेडी स्टेट आएगी तो क्या होगा। देखो स्टेडी स्टेट में हमेशा ध्यान रखना है, इंडक्टर जो है वो तो शॉर्ट हो जाता है और कैपेसिटर पूरे कट जाते हैं, तो कैपेसिटर के कटने से ये पूरा तो हट गया, अब आपका सर्किट क्या बचेगा, 4, ये ब्रांच तो पूरी ऑफ है, इधर से ये, उधर से वो वाली ब्रांच ऑफ है, इधर से ये 6 और ये यहां से इधर, तो ये 4, 6 और 3, 6 और 3 पैरेलल में और 4 सीरीज में, तो 24। तो आर नेट कितना आ जाएगा इसमें मेरे पास, 4 + 6 × 3 / 6 + 3 = 4 + 2 = 6, तो आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर 24/6 = 4, तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगी, ओके। अगला आता अपने पास बच्चों, अगले थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें आर एक्सटर्नल को मैक्सिमम पावर कितनी दी जाएगी। आर एक्सटर्नल के लिए मैक्सिमम पावर जब कैलकुलेट करना होता है तो कंसेप्ट क्या होता है, इस एक्सटर्नल को आप ए और बी पॉइंट मानो और बाकी सबको इंटरनल मान लो, तो ये बाकी सब इंटरनल रेजिस्टेंस जितना होगा उतना ही आर एक्सटर्नल होना चाहिए फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर, आर इंटरनल बराबर आर एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हो जाएगा, बैटरी को शॉर्ट कर दो है ना, बैटरी को शॉर्ट करते हुए ए और बी के अक्रॉस इंटरनल निकालना है, ठीक है। तो 2 और 2, ये 2 तो पैरेलल में, उसके साथ ये 2 सीरीज में है, कितना हो जाएगा आर एक्सटर्नल बराबर 3। अब आर एक्सटर्नल हो गया 3, अब 3 के बाद जब आप वापस यहां सॉल्व करोगे 2, 2, 3 और 2, तो देखो इस केस में आप 12। अब इसमें आपको केवल क्या करना है,
करंट इसके थ्रू निकाल लो, तो यहाँ से I करंट फ्लो करी होगी, उसका I1 हिस्सा इधर जाएगा, I2 इधर गया होगा, तो मुझे अब यहाँ पे I निकालना है। I के लिए सबसे पहले क्या करोगे, V बाई आर नेट करोगे, V कितना है 12, V कितना है 12 है ना, आर नेट कितना है, आर नेट है 2 और 3 5, 5 × 2/5 + 2 + 2 है ना, हो जाएगा 3 2 5 और 2, ये दोनों सीरीज उसके साथ ही पैरेलल फिर सीरीज, तो ये आएगा अपने पास 12/10 + 14/7, ठीक है, तो 12 × 7/24 दो 7/2 करंट आ जाएगी। 7/2 में फिर यहाँ कितना ऐसा आएगा, I1 आएगा 2I/2+5, तो 2/7 I कितना है 7/2 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इससे ज़्यादा वाली करंट है, तो इसके अक्रॉस पावर क्या आ जाएगी एक्सटर्नल पे, I² I1² × R एक्सटर्नल, ये कितनी है 1 एम्पियर × 3 3 वाट, तो 3 वाट पावर डिसिपेशन होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी में एरर बतानी है, ऑब्जेक्ट को पहले एयर में वेट किया और फिर उसको आपने वाटर में वेट किया, तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको आप V से मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो ये क्या बन जाएगा, वेट V और G दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो VG, तो ये क्या हो जाएगा वेट इन एयर है ना, और ये हो जाएगा बॉइंट फोर्स बाय डेंसिटी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इंटू जी इंटू लिक्विड की डेंसिटी, इससे क्या आ जाएगा बॉइंट फोर्स। अब बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉइंट फोर्स जो होता है वो होता है एयर में से, एयर में जो वेट है और पानी में जो वेट है उसका डिफरेंस, तो बॉइंट फोर्स ही होता है ना, ठीक है। तो ये अब रिलेटिव डेंसिटी इस तरह से आ जाएगी, अब एयर में वेट आपको कितना दिया है 10 ± 0.1, अब ये चीज की वैल्यू कैसे आएगी, देखो एयर माइनस वाटर कैसे निकालोगे, ये है 10 ± 0.1, माइनस का 5 ± 0.2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो एरर हमेशा जब माइनस करते तो भी एरर को तो जोड़ते ही है, तो ये कितनी आ जाएगी 5 ± 0.3, तो ये आएगा 5 ± 0.3। अब आपको केवल क्या बताना है, परसेंटेज एरर बतानी है, तो देखो दो चीजें डिवाइड में x बाई वाई, तो डिवीजन में आप फिर क्या करते हो, दोनों की परसेंटेज एरर को जोड़ते हो, तो आप ऊपर वाली टर्म को मान लो a, नीचे वाली टर्म को मान लो b, और इस टर्म को मान लो आप c, तो आपके पास फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, c बराबर a बाई बी, यानी कि c परसेंट बराबर a की परसेंटेज एरर प्लस b की परसेंटेज एरर, क्योंकि आपको मैक्सिमम एरर बतानी है। अब a की परसेंटेज एरर कितनी आएगी, 0.1/1 × 0.1/10 × 100%, बी की परसेंटेज कितनी आएगी 0.3/5 × 100%, तो यह आएगा 1% + 6% = 7%, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो आपके पास 7% जो है आपका आंसर बन जाएगा सी में। ओके, अगला आता है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहां पर एक ऑब्जेक्ट गिवन है और इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा गया है ना, तो आपको बताना है कि m की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो इस हिस्से की, ताकि ये सिस्टम पूरा रेस्ट पर रहे। तो देखो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 40, इधर mg sin थीटा कितना है 30, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी μ × n, और n किसको बैलेंस करेगा इस 40 को, mg cos थीटा से निकाल लेना है ना, तो μ 0.5 × 40 = 20। अब जब आप मैक्सिमम मास रख दोगे मान, तो ये सिस्टम जो है वो फिसलना किधर जाएगा, नीचे।
आपने अगर मैक्सिमम मास रख दिया तो सिस्टम जो है वो इधर बड़े मास की तरफ जाना चाहेगा। मान लो आपने एम मैक्सिमम रख दिया एम टू के बराबर, ठीक है, तो इधर 30 इधर लग रहा है, साथ में फ्रिक्शन भी तो इसको रोकना चाहेगा, और ये क्या आ जाएगा एम टू इंटू जी, फ्रिक्शन कितना है 20, तो 30 और 20 दोनों मिलकर रोक रहे थे, इसका मतलब एम टू जी भी कितना आ जाएगा 50, मतलब एम टू कितना आ जाएगा 5। और जब आपने तो इसकी टेंडेंसी देखो इस तरफ आने की, इसका मतलब और टेंडेंसी जिधर जाने की हो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। और जब आप कम मास रखोगे, कम मास रखोगे तो क्या होगा, आपने अगर इस मास इनसफिशियंट है तो ये 30 जो लग रहा है वो इसको इधर फिसलाने का काम करेगा, तो फ्रिक्शन फिर ऊपर लग के रोकेगा, क्यों, क्योंकि ये एम जी जो है वो मिनिमम है ना। तो अब इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, टेंडेंसी इधर जाने की, इसलिए क्या होगा फ्रिक्शन इधर लग के रोकेगा, तो 30 को कौन बैलेंस करेंगे, एफ कितना है 20, तो एफ की जगह 20 लिख दो, 20 प्लस एम वन जी, तो ये कितना हो जाएगा एम वन बराबर 10, 10 मतलब 10 एम वन जी की वैल्यू है, तो एम कितना हो जाएगा एम वन बराबर 1, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। ओके, ये पांचवे का आंसर आ गया। अगला आता है सिक्स क्वेश्चन, एक बार इसको नोट कर ले बेटा, है ना। सिक्स पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसको सिमेट्रिकली काट के दोनों हाफ को आपने थोड़ा सा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर दिया, ठीक है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की हाइट, देखो अब इनकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे में बना सकता हूँ दोनों की, तो 30 डिस्टेंस है, अभी बोल रहे हैं कि यहां से जो इमेज बनेगी, सबसे पहले तो कैसी इमेज बनाई अपन ने, एक ही रियल इमेज बना रहा है। अब कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है तो रियल इमेज तो इधर बनेगी, तो रियल, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस की जो बनती है उल्टी बनती है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, है ना, और इसके लिए भी इधर अपोजिट साइड है ना, तो इसको मान लेता हूँ हाइट ऑफ इमेज, ये भी हाइट ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस कितनी है एच के बराबर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है एच बाई टू। ओके, अब इन्होंने आपको क्या दिया है कि डी और एच का ग्राफ दिया हुआ है, डी इस सेपरेशन को बोला है, ये इधर एक आई बनेगा, इधर एक इमेज बनेगी, इस सेपरेशन को डी बोला है, तो डी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एच आई प्लस एच, ठीक है। अब यहां से डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी है, कोई भी एक डेटा ले लो, जब एच कितना है 1, एच अगर 1 है और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का m टाइम्स, तब d कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 m, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है h बाई 2, तो h कितना आ जाएगा इससे, सॉरी h की वैल्यू 1 है ना, हाँ h की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास से 2 से 2 खत्म, है h की वैल्यू 1 है, तो m कितना आ जाएगा 2, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 2 है, मतलब v और u का जो वैल्यू का रेशियो आएगा वो कितना आना चाहिए 2, मतलब v जो है वो कितना आना चाहिए u के मोड का डबल, यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 60। अब देखो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f, 1 अपॉन v कितना है 1 अपॉन v, v दिया हुआ है डबल है ना, प्लस 60, प्लस क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इस तरफ इमेज बना रहा तो ये प्लस होता है ना, माइनस ऑफ माइनस का 30, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 60 प्लस का 2 अपॉन 60 बराबर 1 अपॉन f, तो f कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला आता है सातवां, सातवें क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ग्लास स्लैब जो है वो आपने एक YDAC एक्सपेरिमेंट में रखी तो 20 फ्रिंज जितना पैटर्न शिफ्ट हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे जो शिफ्टिंग थी, है ना, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पहले बन रहा था उससे अब नई पोजीशन पे चला गया, और वो Y कितना आया था 20 बीटा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने स्लैब रखा, यहाँ पे पहली स्लिट थी दूसरी स्लिट थी, आपने जैसे यहाँ एक स्लैब रखी S1 के सामने, पाथ डिफरेंस इतना क्रिएट हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा को वहां जाना पड़ा,
तो ये पाथ डिफरेंस कितना आया स्लैब की वजह से वो निकाल लूँ पहले मैं, कितना था डी साइन थीटा के इक्वल करना पड़ता है कि जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस उसको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस के इक्वल करूँ, है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये तो करते हैं अपन, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को इक्वल कर देते हैं। तो डी साइन थीटा, अब डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा स्मॉल के लिए लिख दो वाई बाई डी, है ना, ये वाई और ये डी। तो ये कितना था डेल्टा एक्स और डी, वाई था 20 बीटा बाई डी, डी बाई कैपिटल डी 20, बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इसको काटो तो कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है 20 लैम्डा। अब जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस आया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी इसी के इक्वल होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ये कितना आया था मेरे पास 20 लैम्डा, तो ये कितना आएगा म्यू 1 माइनस 1 टी। तो ये थिकनेस टी 1, ये डेटा जब आप यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो म्यू 1 कितना आएगा 2। अब वो बोल रहे हैं कि वापस आप एक दूसरी स्लैब रखो, है ना, आप यहाँ पे एक दूसरी स्लैब रखो ताकि ये दोनों स्लैब के बाद फाइनली यहीं पे बन जाए, ठीक है। तो दोनों स्लैब के बाद यहीं पे बनाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितना ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इसने क्रिएट किया होगा उसको ये कैंसिल कर देगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा म्यू 1 माइनस 1 टी 1 बराबर म्यू 2 माइनस 1 टी 2। म्यू 1 कितना है 2 माइनस 1 12 10 टू द पावर माइनस कितना था 3 mm, तो इसको माइक्रोमीटर में लाना 6 mm माइक्रोमीटर करके, या 12 ही रख दो ना, ये माइक्रोमीटर में आ गया आप सीधा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1 टी 2, तो डेढ़, और इधर कितना रहेगा 12 और डेढ़ डिवाइड करोगे तो टी 2 आएगा 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल, जितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इसने क्रिएट किया उतना ही अगर ये क्रिएट कर दे तो सेंट्रल मैक्सिमा वापस पलट के वहीं आ जाएगा जहां पहले था। ये 7th क्वेश्चन हो गया। अगला आता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और इनमें आपको कोलिजन करवाइए। तो आपको बोल रहे हैं कि M2 का मास कितना हो कि M3 को स्पीड मैक्सिमम ट्रांसफर हो। तो सबसे पहले मैं M1 M2 की कोलिजन को ऑब्जर्व करता हूँ। अब M1 M2 की कोलिजन होगी तो ये V स्पीड है। कोलिजन के बाद देखो M1 और M2, ये पहले V1 से आ रहा है और ये 0 पे था। कोलिजन के बाद मैंने मान लिया कि ये इस तरह से V1 और ये V2, ठीक है। अच्छा, इसको V1 दिया ना, इसको V मान लेता हूँ मैं, ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में, अभी डेटा अपना बहुत आने वाला है। अब इसमें आप जब पी इक्वेशन लगाओगे, पी इक्वेशन क्या कहती है, M1 की वैल्यू कितनी दी गई, M1 की वैल्यू दी आपको 3, है ना। मास ऑफ M1 कितना है 9 है और ये कितना है 1, तो पहले 9 रख देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 9V बराबर 9V1 प्लस 1V2। और एक स्मॉल ई इक्वेशन क्या कहती है कि ई बराबर V2 माइनस V1 अपॉन V बराबर 1, है ना। तो इससे आप यहां से V2 माइनस V1 बराबर V, V1 का डेटा वहां पुट करोगे तो क्या आएगा 9V बराबर 9V2 माइनस V बराबर V2, तो V2 कितना हो जाएगा आपके पास 9V 18V अपॉन 9 और 9V 9V 9 और 10, तो 18/10। पर ये M2 तो अपन को पता ही नहीं, M2 थोड़ी बने, M2 की टर्म्स में आएगा ना, ओके M2 V2। तो यहाँ से आप डेटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा M2 V2, तो V2 आ जाएगा 1 प्लस V2 9 प्लस M2, ये तो V2 की वैल्यू आई, ठीक है। अब V2 जब इसकी कोलिजन होगी तो देखो M2 कितनी स्पीड से आ रहा है, M2 आ रहा है V2 से और M3 जो 1 kg का था वो रुका हुआ है। फिर इसको टक्कर होगी तो ये M2 जाएगा मान लो V2 डैश और M3 जो कि 1 वाला है वो जाएगा मान लो V3 डैश से। तो जैसे मैंने इन दोनों को सॉल्व करके V2 निकाला, ऐसे ही मैं अब यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो V3 क्या आएगा,
V3 आएगा मेरे पास, V3 क्या आएगा, देखो इसमें V2 था ऐसे यहाँ पे 18 है ना, 18, और ये क्या रहेगा मेरे पास, चलो एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं ना इसको। तो अपन अब यहाँ पे देखो ये 9 किसका मास था, पहले वाले का था ना, यहाँ अब इसका M2 है ना, तो 9 है कि इस तरह से बोल सकते 2m1 into v है ये, तो अब क्या आएगा 2m2 into v, 2m2 into v की जगह क्या है v2 आ जाएगा। फिर 9 किसका मास था उस m1 वाले का, तो अब यहाँ m2 है, तो यहाँ पहले और दूसरे दोनों का मास था ना, तो m2 plus m3, m3 की वैल्यू क्या है 1, ये आएगा मेरे पास v3 डैश है ना। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें आपको v2 की वैल्यू डालनी है, तो 2m2 m2 प्लस 1, v2 की वैल्यू वहां से डाल दोगे 18 v 9 प्लस m2। अभी आपके पास v3 डैश आ गया, अब आपको v3 डैश मैक्सिमम करना, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको थर्ड की स्पीड मैक्सिमम लानी है, तो कितना स्पीड ट्रांसफर होगी, तो देखो क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा मेरे पास v3 डैश को मुझे मैक्सिमम करना है और m2 की वैल्यू बतानी है, तो m2 की क्या वैल्यू हो कि v3 डैश मैक्सिमम आ जाए, तो m2 के रिलेटिव v3 डैश मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट के हिसाब से आप इसको जीरो करोगे, तो आप उस पूरी इक्वेशन का आप डिफ्रेंसिएशन करके जब जीरो करोगे तो आपके पास m2 आएगा 9 × 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 3, ठीक है, तो m2 जो है वो 3 आएगा तब जाके, मतलब इसमें अब आपको डिफरेंशिएशन और करना है इस पूरी इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 36v, 36v को तो बाहर निकाल लो, ये क्या बच जाएगा m2 m2 प्लस 1 और m2 प्लस 9। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो m2 के रिलेटिव, उसको 0 के इक्वल कर दो, उसको सॉल्व करने से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी फाइनली वो बनेगी m2 बराबर m1 इंटू m3, तो ये आ जाएगा m1 कितना था 9 × 1 दैट इज 3 है ना। ओके तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अगला आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको यहां पे एक क्या दिया हुआ है, एक यहां पे आपको सर्कुलर रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे कितना सेपरेशन पे जाएंगे आपको बताना है, और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 माननी है दोनों सेगमेंट के बीच की, तो यहां से देखो इस पे फोर्स लगेगा तो इधर घूमेगा उल्टा और यहां से इधर चला जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको उल्टा घुमा के इधर भेज देगा, हमें अभी देखना है कि इन्होंने कितना एंगल टर्न किया होगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, तो मैं इसको अगर ऐसे सेंटर, ये ऑलमोस्ट ये बस यहीं से है ना सेंटर के जस्ट पास ही, इस डायमीटर के पास में ये, तो ये देखो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी थीटा बाई 2, ये है आर, ये है कैपिटल आर है ना, तो आर क्या होता है mv/qb है ना, एम की डेटा रखोगे आप इसमें, एम क्या दिया हुआ है 2 ग्राम, वी कितना दिया आपको 0.3, क्यू कितना दिया आपको, क्यू दिया इन्होंने 1 × 10⁻³, और बी कितना दिया है, बी दिया है 0.2, तो सॉल्व करने पे आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो स्मॉल आर तो आ गया 3, कैपिटल आर कितना दिया आपको, कैपिटल आर दिया √3, तो 10θ/2 कितना आ जाएगा, 10θ/2 होता है आर अपॉन कैपिटल आर, तो 3/√3 यानी कि 60√3 यानी कि θ/2 कितना हो जाएगा इस केस में, जस्ट अ मिनट उल्टा लिख दिया, ये √3 है और ये 3 है, तो आएगा 1/√3, इसका मतलब θ/2 कितना आएगा 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 60। अब थीटा जैसे 60 आया, इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसमें आपको 60 डिग्री से घुमा है, ये तो आपको पता लग गया है ना, तो 60 डिग्री से जब ये घूमेगा तो ये एंगल थीटा घुमा वो है ना, ये डिस्टेंस कितनी आर, तो ये डिस्टेंस, ये अगर एंगल θ/2 तो ये भी तो θ/2 ही बनेगा है ना, और यहां से तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और ये रेडियस आपके पास आर है ना,
तो अब इस केस में आपको यहां पे ये वाला एंगल देखना है, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल बन जाएगा मेरे पास इस केस में 90 माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस बतानी है वो ये मुझे बतानी है कि एक तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट हो जाएगी, अब ये 90 माइनस थीटा बाई टू है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों एंगल तो सेम बनेंगे, 90 माइनस थीटा बाई टू, ये भी 90 माइनस थीटा बाई टू। तो उस केस में तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस बताना है, दोनों का सेपरेशन बताना है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इनका सेपरेशन जो है 4x मीटर है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये तो r है सही, ये आपका 60 है, तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो ये r 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू, ये भी उतना ही आएगा। तो आपके पास ये जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, देखो टोटल एंगल होता है 180, तो ये थीटा बाई टू बचेगा है ना। तो आपके पास ये हाइट जो आएगी है ना, देखो इसको तो मान लेता हूँ वाई वन और इसको मान लेता हूँ आर साइन थीटा बाई टू, मान लेता हूँ क्या होगी इतनी है। तो वाई वन कितना हो जाएगा है ना, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आ जाएगी टू आर में से आर को, ये इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स कितना आएगा मेरे पास, टू आर माइनस आर कॉस थीटा बाई टू, टू आर माइनस आर cos 60 बाई टू यानी कि 30, तो 2r माइनस आर रूट 3 बाई टू, ठीक है, ये तो आया x। और y1 कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर y1 अपॉन x, तो tan 60 रूट 3 हो जाएगा, तो y1 बराबर रूट 3 x, तो रूट 3 2r माइनस रूट 3r बाई टू, ये तो y1 हो गया। फिर r साइन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा बाई टू हो जाएगा मेरे पास r इंटू वन बाई टू है ना। तो अब ये टोटल डिस्टेंस r y1 प्लस r साइन थीटा बाई टू, उसका मुझे डबल करना है, तो टोटल जो d सेपरेशन आएगा, ये जो सेपरेशन उसको मैं d बोल रहा हूँ लेट से, तो d सेपरेशन कितना आ जाएगा मेरे पास, d आ जाएगा r साइन थीटा बाई टू प्लस y1 यानी कि r बाई टू प्लस टू रूट थ्री आर, और ये कितना जाएगा माइनस थ्री बाई टू आर, माइनस थ्री बाई टू आर, तो ये कितना जाएगा टू रूट थ्री आर माइनस, तो ये आएगा आपके पास टू रूट थ्री आर माइनस का आर, ठीक है। अब टू रूट थ्री आर माइनस आर, तो आर कितना है रूट थ्री अपने पास, तो आर रूट थ्री है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसका भी तो मुझे डबल करना है ना, इसका डबल भी तो करना है, ओके ओके, तो इसका डबल करेंगे अपन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का आर, तो ये हो जाएगा फोर रूट थ्री आर माइनस टू आर, तो चार रूट तीन इंटू रूट तीन, ओके। इसमें है ना ये एंगल जो है वो थीटा ही बनेगा, देखो ये तो ऐसे ही खींची ना अपने लाइन पूरी की पूरी है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो ये आर साइन थीटा ही आएगा यहाँ पे, तो r sin थीटा की वजह से r रूट थ्री बाई टू हो जाएगा है ना। तो इसको आप यहाँ पे r sin थीटा रखना है प्लस y1, तो रूट थ्री आर बाई टू है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो अब ये पूरी डिस्टेंस जो आएगी ना वो आ जाएगी 12, ये कितनी आ जाएगी फिर सॉल्व करने पर, r क्यूल डालने पे 12, तो 12 मतलब 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू क्या करोगे इसको, 4 इंटू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ओके। आगते हम हमारे 10th क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन में आपको एक स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए बात करी, स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है ये रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं है, सारा वोल्टेज इस कॉम्बिनेशन पर जाएगा, तो आपको 4 पे पूछा, तो इसके लिए इस ब्रांच पे देखो, इस ब्रांच पे भी कितना आएगा 10 वोल्ट, तो 4 और ये कितना है 6, एक 4 का एक 6 का, और 10 वोल्ट डिवाइड करना, तो वी1 वी2, तो वी1 क्या हो जाएगा वी सी2 अपॉन सी1 प्लस सी2, तो वी कितना है 10 6 अपॉन 6 प्लस 4, तो 6 वोल्ट आएगा, 6 इंटू 4, तो Q1 कितना हो जाएगा सी वन वी वन यानी कि 4 इंटू 6 यानी कि 24 माइक्रो कूलम, तो Q1 आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम। इसमें कोई कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे अपना पेपर कंप्लीट होता है, ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम डीसीएम जेई 2022 का मेजर टेस्ट सीरीज थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, जेई एडवांस का पार्ट फिजिक्स, जिसमें सेक्शन ए के अंदर
चार सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है जिसमें एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दे रखा है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो है राइट साइड में करंट। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है सेम प्लेन में जिसको पुल किया जा रहा है अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, और डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फोर्स की इस लूप पर किधर की तरफ होगी। तो देखें यहां पे इसमें फ्लक्स जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर से डिस्टेंस के साथ साथ कम होगा, तो जैसे ही ये लूप ऊपर की ओर मूव करेगा इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा, या बोल दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड था वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस पे फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा कि उसके कॉज को अपोज करे जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा। तो फ्लक्स वेरी हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा, करंट ऐसे फ्लो होगा कि चेंज को अपोज कर सके। चेंज क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स कम हो रहा है, तो फोर्स ऐसे एक्ट करेगा कि उसका अपोज कर सके, नीचे की ओर पुल करेगा ताकि उसका जो डिक्रीमेंट था उसको कम कर सके। तो इसमें सीधा सीधा है कि डायरेक्शन डाउनवर्ड हो इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर एक वॉल है हाउस की जो टू डिफरेंट मटेरियल से, सेम थिकनेस के मटेरियल से बनी हुई है, डायग्राम में जैसे शो किया हुआ है ये दो पार्ट। टेम्परेचर ऑफ देयर आउटर वॉल इज T2, इस आउटर वॉल का टेम्परेचर T2 दे रखा है, इनर वॉल का टेम्परेचर T1 है, T1 कम है T2 ज्यादा है। टेम्परेचर वेरिएशन इनसाइड वॉल जो है वो शो किया हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी इनर वॉल की ग्रेटर है आउटर से, या आउटर की ग्रेटर है इनर से, या थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की इक्वल है, या कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, वो देखते हैं। तो देखिए किसी भी एक पोर्शन से जितना हीट करंट एक के अंदर से पास हो रहा है, जितना हीट करंट यहां से एंटर करेगा या हीट एंटर करेगी उतनी हीट दूसरे वाले पार्ट से फ्लो होगी। तो यहां पर सेम पार्ट से, मतलब यहां देख लेते हैं, इस वाले पार्ट से जितनी हीट एंटर करेगी दूसरे पार्ट से उतनी हीट लीव कर रही होगी, तो हीट करंट तो सेम ही है। अब यहां पे किसी एक पार्ट पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है लेंथ के साथ, उसको कंपेयर करने के लिए हीट करंट आई बोल देता हूं, आई इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल या डी टी बाई डी एल बोलता हूं, साइन के साथ चाहो तो माइनस लिख सकते हो। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन देख रहा है कि आई तो दोनों में सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया भी सेम होगा वॉल का, तो जो स्लोप बोल सकते हैं एक तरह से टेम्परेचर वर्सेस लेंथ लाइन का स्लोप जो होगा वो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी के नीचे गया, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका के ज्यादा होगा उसके लिए स्लोप कम होगा। अब यहां पे देखोगे तो पहले में स्लोप ज्यादा है, दूसरे वाले में स्लोप कम है। स्लोप कम है मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो सेकेंड वाले पार्ट की थर्मल कंडक्टिविटी आउटर वाले पार्ट की थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेटर है, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आउटर वॉल इज ग्रेटर देन इनर वॉल, तो अपना सेकेंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक सिस्टम गिवन है और डिस्प्लेस्ड ए एंड रिलीज, इसको ए डिस्प्लेस किया रिलीज किया, बोथ द ब्लॉक मास एम है और साथ साथ मूव कर रहे हैं, कोई स्लिपिंग इनके बीच में नहीं हो रही पूरे प्रोसेस में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम एट टाइम टी, तो किसी भी टी टाइम पर फ्रिक्शनल फोर्स पूछा हुआ है, दे रखा है कि डिस्प्लेस किया ए और रिलीज कर दिया। ठीक, तो इनिशियली इनको ए डिस्प्लेस करके रिलीज किया हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये होगा, ये मेन पोजिशन कंसिडर कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो ऑसिलेशन की इक्वेशन होगी या एक्सेलरेशन लिख दूं, इस ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सट्रीम का मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए चाहे नेगेटिव हो, तो ये टर्म एक्स मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम के बराबर कैंसिल किया, वन आना चाहिए, वन आने के लिए ये पूरा एंगल होना चाहिए 90, ये टर्म जीरो बोल रहा हूं इनिशियल, इसलिए फाइव की वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी। तो एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू पाई बाय टू है, तो इस एक्सट्रीम को मैं पाई बाय टू लिख दे रहा हूं, तो दोबारा लिख रहा हूं इक्वेशन, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो एक सिंगल फोर्स है इस पे हॉरिजॉन्टल में, तो इस पे हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू एम ए,
तो फ्रैक्शनल फोर्स स्टैटिक, मास उसका एम है और एक्सेलरेशन ये रहा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, कॉस ओमेगा टी बोल सकता हूं, और केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करना था तो नेगेटिव साइन भी हटा दिया और ये मॉड बोल दिया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई। ओमेगा स्क्वायर को बोल रखा है के बाय टू एम, तो यहां से एफ एस इक्वल टू आ गया एम के बाय टू एम ए कॉस ओमेगा टी, एम कैंसिल कर दो तो के बाय टू ए कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा के ए बाय टू कॉस ओमेगा टी का मॉड, तो ये इस पे हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर के अंदर देखें, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, सेम मास है, सेम रेडियस है, रोल डाउन इंक्लाइन पे रोल हो रहे हैं नीचे, रेशियो उनका एक्सेलरेशन का बताना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पे जब नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा तो उस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आते टाइम पर लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है जी साइन थीटा डिवाइड बाय आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस वन। किस तरह से आया चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि सबसे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट, नीचे की ओर mg लगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक नॉर्मल लग रहा होगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस बोल दे तो इसके अबाउट रोल हो रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेशन लें तो mg का टॉर्क हो जाएगा mg का साइन कॉम्पोनेंट n टू r, ये mg का टॉर्क हो गया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई सबसे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट जो हो जाएगा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, अल्फा प्योर रोलिंग है तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर आ जाएगा, तो इसकी जगह हटा के लिख रहा हूं ए बाई आर। एम अब इस पूरे में आर एक्सेलरेशन निकाल रहा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एम आर से पूरे को डिवाइड कर दो एक बार, और उधर रह गया था जी साइन थीटा, और जिससे एम आर से डिवाइड किया था यहां पे एक आर भी था तो एम आर स्क्वायर से यहां डिवाइड होगा, ये बना जाएगा तो नीचे वाला टर्म आ जाएगा आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर प्लस वन, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा कुल मिलाकर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अब हमें कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले ठोस सॉलिड स्फीयर है, बाद में सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये टर्म आ जाएगा टू बाई, पहले सॉलिड स्फीयर उसके लिए आ जाएगा टू बाई फाइव, टू बाई फाइव ऊपर वाला टर्म प्लस वन, तो ये आ जाएगा नीचे वाला टर्म, इसमें आ जाएगा सेवन बाई फाइव, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर अगर पहले लिख रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर में है फाइव बाई सेवन यहां पे आ जाएगा, सही। फिर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होगा सेंटर के अबाउट हाफ, ये प्लस वन, ये टर्म आ जाएगा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू डिनोमिनेटर में तो टू बाई थ्री, तो डिवाइड बाय टू बाई थ्री, तो यह आ जाएगा फिफ्टीन बाय फोर्टी, तो फिफ्टीन बाई फोर्टीन इनके एक्सेलरेशन का रेशियो हो जाएगा। फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन बी, जिसके अंदर चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दो पैराग्राफ है और इनके अंदर मोर देन वन करेक्ट है, तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, वो आइडेंटिफाई करना है। दे रखा है स्टेटमेंट कन्वर्जिंग लेंस और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज और ऑब्जेक्ट पे, तो जब हम कन्वर्जिंग लेंस ले रहे हैं तो कन्वर्जिंग लेंस में अगर ऑब्जेक्ट माइनस एफ माइनस टू एफ, एफ और टू एफ, अगर ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यहां पे इमेज बनती है रियल, रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग रियल इमेज बन जाएगी, इस वाले रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इस वाले पार्ट में रियल इमेज बनेगी, ठीक है, आर वन आर टू वन। फिर जैसे ही यहां पे रखा होगा इसके करस्पॉन्डिंग इधर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, तो रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग वर्चुअल इमेज बनेगी आप। फिर ऐसे ही अगले पार्ट में अगर इधर की ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा होगा इसके करस्पॉन्डिंग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यहां पे रियल इमेज इसकी बन जाएगी यहाँ इस वाले पार्ट में। तो क्या बोल रखा है कि कन्वर्जिंग लेंस कैनॉट फॉर्म रियल इमेज फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज ये केवल और केवल रियल ही बनाएगा।
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग रियल इमेज बनेगी। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है इसलिए पहला सही हो गया, मतलब चूज करना है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, डाइवर्जिंग मिरर कैनॉट फॉर्म ए रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो डाइवर्जिंग मिरर बोल दो या डाइवर्जिंग लेंस बोल दो, बिहेवियर एक जैसा ही होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए। तो अगर डाइवर्जिंग मिरर है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां कहीं फोकस हो जाएगा, यहां कहीं सेंटर हो जाएगा, ये पोल रहेगा। तो इधर वाली सारी सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग, रियल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग वो इमेज जो भी बनाएगा वो इमेज इस वाले रीजन में बना देगा, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग। फिर दूसरा, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज बनाएगा। तो ये था इधर से इधर, सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग इधर की और इमेज बना देगा, ये बना देगा रियल इमेज टू के करस्पॉन्डिंग। इस वाले रेंज में वर्चुअल थ्री, इसके करस्पॉन्डिंग यहां इमेज बनाएगा, ये बनेगी वर्चुअल थ्री। वर्चुअल फोर के करस्पॉन्डिंग यहां इमेज बनाता है वर्चुअल फोर। तो यहां पे रियल ऑब्जेक्ट की केवल वर्चुअल इमेज बनती है, रियल की रियल इमेज नहीं बनाती। तो डाइवर्जिंग मिरर कैनॉट फॉर्म रियल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट की केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए सेकंड नहीं लेना। थर्ड, कन्वर्जिंग मिरर कैनॉट फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस का बिहेवियर एक जैसा ही है, तो ये भी रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बनाता है, ये वाला भी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बनाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये अगर सही है तो ये भी ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस कैनॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज डाइवर्जिंग लेंस, तो रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा था? ये था, और इसके करस्पॉन्डिंग रियल इमेज बनाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये भी हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, चार पॉइंट मासेस, हर एक का मास m है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, और हर किसी दो मासेस के बीच में डिस्टेंस है r। टेट्राहेड्रन मतलब क्या हो गया? ट्रायंगुलर बेस, पिरामिड की जैसे बोल दो, इस तरह की शेप होगी इसकी, ठीक है। अब इस तरह की शेप है, यहां पे m मास रखा हुआ है, यहां पे m मास है, यहां पे m मास, ये वाले पॉइंट पर m मास, ट्रायंगुलर बेस, और इस तरह से एक मास m, तीन कॉर्नर्स पे ऐसे रखे हुए। अब पहले में पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे, तो सेंटर पे देखोगे तो हर किसी से इक्वल डिस्टेंस मिलेगी, और जो फील्ड आएगा हर एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का फील्ड, जैसे ऊपर वाले का फील्ड इधर आया, सेकंड वाले का फील्ड इस तरफ आएगा, थर्ड वाले का फील्ड इधर की ओर, और फोर्थ वाले का फील्ड थोड़ा इस तरह से नीचे की ओर। तो सिमेट्री की वजह से एक का फील्ड इधर, एक उधर की ओर, इस तरह से। तो सिमेट्री की वजह से ये नेट मिला के जो फील्ड होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हम सेंटर पे बोल सकते हैं जीरो। जैसे हम रेगुलर शेप अगर कोई भी ले, प्लेनर, तो प्लेनर में जैसे बोलते हो कि प्लेनर में इसमें जीरो, प्लेनर ये शेप है, कॉर्नर्स पे सेम मास है, जीरो। अब चाहे 3D के अंदर क्यूब ले लो, सेंटर पे रखा होगा, जीरो रहेगा। तो कोई भी रेगुलर शेप रहेगी, तो रेगुलर शेप के सेंटर पे अगर कॉर्नर पे सेम मास रखे हुए, तो फील्ड के सेंटर पे फील्ड जो होगा वो जीरो आएगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा हुआ है कि सेंटर पे कितना होगा, तो जो सेंटर से डिस्टेंस है, अब एक बार इस नीचे वाले बेस के सेंटर को लेते हैं, एक बार ये वाली साइड मैंने ये लिखी है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ये पॉइंट हो गया ए बोल देते हैं, ये भी बोलते हैं, इस सेंटर को ओ ले लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट सी ले लेते हैं। अब अगर ये ए बी डिस्टेंस आर है, तो ये वाली हाइट आर से कम है, ये डिस्टेंस और भी कम होगी, तो इसको ए ले लेता हूं एक बार के लिए, ये डिस्टेंस ए है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद रेशियो से ये निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल इतना ही देखना है कि जो ए साइड है वो लेस देन आर है, आर है, तो यहां पे पोटेंशियल, इसके सेंटर पे पोटेंशियल एक की वजह से लिखोगे जी एम माइनस का, माइनस जी एम बाय आर, एक की वजह से, आर नहीं है वो ए डिस्टेंस है, ऐसे चारों की वजह से फोर टाइम्स आ जाता, लेकिन यहां पे दे रखा है माइनस फोर जी एम बाय स्मॉल आर, जबकि ये आएगा स्मॉल ए, और इसकी वैल्यू आर के बराबर है नहीं, आर से डिफरेंट है, तो ये वैल्यू पोटेंशियल जो है इसके बराबर तो नहीं है। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। पोटेंशियल
एनर्जी पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? हम हर एक का पेयर बना सकते हैं कि U12, U13, U14 प्लस U23, U24 प्लस U34 सारे पेयर बना सकते हो, तो ये टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की हो जाएगी। तो इस सिस्टम की पूरी एनर्जी के लिए फर्स्ट दो का पेयर लेंगे तो जी M1 M2 बाय R का नेगेटिव, ऐसे ही दूसरा पेयर भी सेम ही आएगा, तो ये एक्चुअल में 6 टर्म्स आ जाएंगे, तो 6 टाइम्स जी एम एम बाय आर और नेगेटिव होता है फील्ड, इसलिए नेगेटिव। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी एक पर, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी एक पर कितना आएगा, तो फोर्स निकालते हैं एक बार, तो फोर्स के लिए ज्योमेट्री एक बार एंगल निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ये जैसे टेट्राहेड्रन था, इन तीनों की वजह से जो फील्ड आएगा, फोर्स आएगा, वो इन तीनों लाइन की तरफ आएगा। मतलब ये बेस, यहां पे ऊपर एक मास है, सभी की वजह से जो फील्ड आएगा, फोर्स आएगा, वो एक की वजह से इधर, एक की वजह से इधर, एक की वजह से इधर, रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। तो हम क्या करें, डाउनवर्ड से किसी एक का एंगल निकाल लें और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट ऐड कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन से किसी एक लाइन का एंगल निकाल रहे हैं। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगी इसके सेंटर से पास होगी, इस ट्राइंगल के बेस से पास, सेंटर से पास होगी, और ये हाइट निकालते हुए इस हाइट के साथ एंगल निकाल रहा हूं किसी एक साइड का। तो एंगल देखते हैं, तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का बेस वाला ट्राइंगल, और यहां से डिस्टेंस निकालते हैं एक बार, ये परपेंडिकुलर से ड्रॉप कर दिया, तो ये हो गया साइड का हाफ, ये एंगल आता है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा आर बाय टू बाय कॉस 30, क्योंकि इसका कॉस कॉम्पोनेंट ये है, कॉस 30 रूट 3 बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आर बाय रूट 3 आ जाएगा। ये डिस्टेंस है आर बाय रूट 3, मतलब ये एक कॉर्नर से डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब ये हाइट के लिए हम इधर से डायग्राम बना रहे हैं, ये हाइट और ये वाली साइड है ये आर बाय रूट 3। तो अब दूसरा डायग्राम बनाया इसमें दूसरी तरफ से, इसको हमने बोल दिया ए बी सी, सेंटर इसका लिख दिया सी ओ ले लो। अब जो तीसरा वाला था ऊपर वाला फोर्थ डी, और ये ए ये ओ, इन डिस्टेंस से ये एंगल थीटा निकाल रहे हैं, कि ऊपर वाला जो था उससे वर्टिकल लाइन, इस एक से जो साइड होगी उससे एंगल थीटा, तो ये है आर बाय रूट 3, ये है आर, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये एंगल थीटा ले लें, तो कॉस साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाय रूट 3 बाय आर, यह आ जाएगा। अब यहां पे क्या था कि इस बेस वाले की वजह से ऊपर वाले पे हम फोर्स देखेंगे, तो किसी भी एक की वजह से फोर्स आएगा एंगल पे ऐसे, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। अब उस फोर्स का हमें क्या करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट लेना है, तो ये वाला जो थीटा था ये थीटा ही कंपोनेंट बनेगा उसका, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि किसी एक की वजह से फोर्स आया जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और उसका हमें कॉस थीटा कंपोनेंट करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट करना है। वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट करेंगे एक की वजह से, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, तो 3 times ही हो जाएगा नेट। अब कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये रूट थ्री का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस और बाय रूट 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 बाय रूट 3 कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉस थीटा की जगह रूट 2 बाय रूट 3। अब रूट 3 से एक ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 रह जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 रह जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी अपना करेक्ट है। तो फर्स्ट सही था, थर्ड और फोर्थ ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जिसमें ग्राफ दे रखा है टी बराबर 0 पर एक्स 1 है और वेलोसिटी दे रखी है उसकी, वेलोसिटी भी है 1। अब इसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को यूज करते हुए बाकी ग्राफ हमें देखना है। तो फर्स्ट ग्राफ में देखें v प्रोपोर्शनल टू x है, या v इक्वल्स टू सीधा सीधा x है स्ट्रेट लाइन, और स्लोप भी 45 डिग्री है, तो v इक्वल्स टू x। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं v dv by dx, v तो x ही है, dv by dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, या इसको v इसका डिफरेंशिएशन 1 बोल दो और v की वैल्यू x, तो एक्सेलरेशन v के बराबर भी है, एक्सेलरेशन x के बराबर भी है, तो एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल भी है, इक्वल भी है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के इक्वल भी है। एक तो आ गया।
अब x इन टर्म्स ऑफ t चाहिए, तो देखो v को लिख दिया dx by dt, x है, तो ये टर्म हो गया dx by x equals to dt. इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड. इनिशियल दे रखा है t जीरो पे, x वन है, तो किसी t पर x हो जाएगा. वन अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन t. तो ये आ गया log x इक्वल्स टू t, log इधर ले लिया तो e रेज़ टू पावर t. तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा x और t के बीच में, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ यही है x और t के बीच में, तो ये हो जाएगा. तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर में एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में V1 V2 दो वोल्ट मीटर दे रखे हैं और रेजिस्टेंस 300 और 200 इनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं. तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस है 300 ओम 3000, इसका रेजिस्टेंस है 2000 ओम. रेजिस्टेंस आ गए. अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R1 R2, ये है 2000 और ये इधर वाला है इसकी तरफ वाला 3000. तो 3000 2000 2000 3000 ऐसा कॉम्बिनेशन था. अब स्विच बंद कर रहे हैं या खुला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग्स पूछी हुई है. तो देखें, वोल्टमीटर ओपन वाला केस तो एक ही बोला हुआ है, तो ओपन वाला केस देखते हैं. अगर ओपन है सर्किट, बैटरी आइडियल है, एमीटर आइडियल है, तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 200. पोटेंशियल डिफरेंस 200, दोनों एक तरह से वोल्टमीटर सीरीज में, इनको रेजिस्टेंस की जैसे कंसीडर करो पूरी तरह से, और जो इनके अक्रॉस वोल्टेज है वही इनकी रीडिंग है, तो पूरा रेजिस्टेंस की जैसे कंसीडर कर लें तो दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 5000. ये करंट लिखा है मैंने, वोल्टेज इनके अक्रॉस बाय इनका रेजिस्टेंस, ये इनके अंदर करंट, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस. तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, या 5 से और कैंसिल कर दो, 120 वोल्ट ही आ जाएगा. तो ये वोल्टमीटर फर्स्ट की रीडिंग आ गई. करंट कैलकुलेट किया 200 रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो गया, ये कैलकुलेट किया तो 120 वोल्ट पहला सही है, ओपन है था. दूसरा जब क्लोज कर दिया था पूछा हुआ, तो देखते हैं क्लोज कर दिया तब क्या होगा. तो क्लोज करते टाइम पर यहां पर इसको कनेक्ट करने का मतलब, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां है. पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस अगर बराबर है और ये 300 था और ये 200 300 200 300, तो इनका जितना इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल है, तो जितना इनका इक्विवेलेंट आएगा वही इक्विवेलेंट इनका है. इक्विवेलेंट सेम है तो पैरेलल में वोल्टेज ये 200 लगा रखा था वो हाफ हाफ डिवाइड हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 100 वोल्ट. अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बोल दो या वोल्टमीटर के अक्रॉस, ये वोल्टेज 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट. वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, जो खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो केवल रीड करके बताएगा, तो वो 100 वोल्ट है. तो वोल्टमीटर V1 क्लोज रीडिंग, क्लोज होने पर रीडिंग है 100 वोल्ट. फिर दूसरा है A1, एमीटर A1, ये वाला एमीटर, इसकी रीडिंग कितनी है, तो इसके अक्रॉस अभी वोल्टेज बोला ही है 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट ये आइडियल है, तो यहां पे वोल्टेज इसी के अक्रॉस आ गया 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस है 2000 है शायद, तो इसका रेजिस्टेंस है R1 2000. तो ये वैल्यू आ गई 50 × 10⁻³ मिली एम्पियर बोल दो, तो 50 मिली एम्पियर ये इसकी वैल्यू होगी A1, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 5 में दो बॉल M और 2M मास की दो लाइट स्ट्रिंग से सेम लेंथ से ऐसे शो कर रखा है, वैसे लटका दिया. दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का O पॉइंट पे फिक्स है, स्ट्रिंग जो है शुरुआत में हॉरिजॉन्टल में रखा और रिलीज कर दिया रेस्ट से, इस वाली पोजीशन से इनको रिलीज कर दिया है. कोलिजन इनके बीच में इलास्टिक कंसीडर करना है और A पॉइंट जो है वो लोएस्ट पॉइंट अगर कंसीडर करें तो उसके बाद फिर इस पैसेज में कुछ पूछा हुआ है वो पार्ट देखते हैं. तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे आते जरा. तो उस पैसेज में क्या किया था, वो दोनों बॉल्स को वहां से रिलीज कर दिया था, बॉल्स नीचे आ रही थी, ए लोएस्ट पॉइंट था. अब फर्स्ट टाइम जब कोलिजन खत्म होगा उसके बाद इनकी स्पीड्स क्या होगी, जस्ट आफ्टर पूछा हुआ है, तो कोलिजन खत्म होने के जस्ट बाद में
मास कुछ भी रहा हो, यहां से यहां तक आने का टाइम तो सेम है क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी एक तरह से बोल सकते हो, तो यहां से यहां तक आने में दोनों पर टेंशन का वर्क तो है नहीं, केवल ग्रेविटी का वर्क है जो ग्रेविटी यहां पे लाएगी, सेम वेलोसिटी आएगी दोनों की यहां पे, अंडर रूट टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच, एच हाइट से नीचे आता था अंडर रूट टू जी एच वेलोसिटी, एक इस तरफ आ रहा है एक इस तरफ जा रहा था, इसको बोल देते हैं यू वन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर वाले को टू बोल देते हैं यू टू जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सही। अब ये कोलाइड हुए तो यहां पे एक तो इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दे, तो आफ्टर कोलिजन हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी इधर हो गई v1 उधर वाले की, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई v2, ठीक। अब एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, पहले का मास m1 उसकी वेलोसिटी u1, अभी इसको u लिख देते हैं, इस वाले पार्ट को u लिख रहा हूं, दूसरे वाले का मास 2m वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में u, ये कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया एम यू वन वी वन और प्लस 2m v2, m कैंसिल हो गया और एक यहां पे बचा था माइनस यू इक्वल्स टू माइनस वी वन प्लस 2v2, एक इक्वेशन यही है हमारे पास। दूसरा इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखे तो माइनस ई जो 1 है इलास्टिक कोलिजन की वजह से इक्वल्स टू v2 माइनस v1, डायरेक्शन वाइज अपोजिट था तो प्लस हो जाएगा ये, डिवाइड बाय u2 माइनस u लिखा है अपन ने, u1 माइनस का माइनस u, सही है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव थी तो माइनस u2 लिखा है, माइनस u1 आएगा, तो ये आ गया 2 उधर जाके 2u इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ये सेकेंड इक्वेशन। तो वेलोसिटी में एक रिलेशन ये है, एक ये रिलेशन है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर v1 कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला टर्म रह जाएगा u, तो ऐड करने पे यहां लिख रहा हूं u इक्वल्स टू v1 कैंसिल हो गया 3v1 v2 और v2 की वैल्यू आ गई u/3, u का मतलब क्या था अंडर रूट 2gh, तो v2 इधर वाले 2m के लिए बोला हुआ था तो 2m की वेलोसिटी है u/3 और यही पार्ट है शायद। फिर m की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो यहां से लिख दो v2 इक्वल्स टू v1, v1 इक्वल्स टू 2u माइनस u/3, तो 6 5 u/3 आ जाएगा, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी 5 u/3 है, 5 u/3 u मतलब अंडर रूट 2gh ये था, तो ये इसके लिए हो गया, दोनों की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अगले पार्ट पे चलते हैं, जो इस पैसेज का दूसरा पार्ट है, सिक्स क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है कि ड्यूरिंग ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन उस टाइम पर मैक्सिमम हाइट कितनी है इस 2m की, और मैक्सिमम हाइट कितनी है तो फर्स्ट और सेकेंड कोलिजन के बीच में जो 2m मास की बॉल है ये कितनी हाइट तक जाएगा, m मास का जो बॉल है वो कितनी हाइट तक जाएगा, तो वेलोसिटी अभी पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया, इसकी इधर की ओर वेलोसिटी आ गई थी 5/3 टाइम्स रूट 2gl, इसकी इधर की ओर वेलोसिटी आ गई थी 1/3 रूट 2gl। मान लेते हैं ये यहां से किसी h हाइट तक जाता है, ठीक। अब h हाइट अगर इससे 90 से ऊपर जा रहा है तो फिर क्या करेगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, सर्कुलर पाथ फिर पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, तो इस हाइट को एक बार ऐसे मान लेते हैं कि कांटेक्ट नहीं छोड़ा होगा, सपोज कांटेक्ट नहीं छोड़ा होगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकता है, तो ये हाइट और इसमें रिलेशन होता है अंडर रूट 2gh, तो इसके अकॉर्डिंग h की वैल्यू आ गई 2g कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया था l/9। अब l/9 तो इस मैक्सिमम हाइट से कम ही है, इससे तो l से नीचे नीचे रहेगा तब तक तो सर्कुलर पाथ पे रहेगा, तो इसलिए इसकी हाइट तो यही है l/9 तक ही जाएगा, इधर वाला 2m मास l/9 तक जाएगा, उधर वाला कितनी हाइट तक जाएगा तो इसको भी कंपेयर कर लो, ये मान लेते हैं ये भी किसी h हाइट तक गया रूट 2gh। अब यहां से कंपेयर करें तो ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर कर दिया 25/9 h की वैल्यू, 25/9 18 और उसके बाद 7, इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो 2.7 टाइम्स L, 2.7 टाइम्स L का मतलब है कि L ये लेंथ था तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जितनी वेलोसिटी थी चाहिए थी कितनी चाहिए थी रूट, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी चाहिए रूट 5gl, और ये 5gl से तो काफी ज्यादा है,
इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन इजीली कंप्लीट कर सकता है, तो मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी 2L, तो इसलिए जो सेकंड वाला है वो मैक्सिमम 2L हाइट तक जाएगा, तो सेकंड और थर्ड इसके अकॉर्डिंग करेक्ट। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पैसेज में दो कंडक्टिंग स्फीयर है R और 3R रेडियस के, जिनपे चार्ज Q और -2Q है, इनके बीच में एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर 2R रेडियस का कनेक्ट कर दिया। सेपरेशन इनके बीच में हमें लार्ज कंसीडर करना है और चार्ज फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू, ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सिचुएशन दे दी कि तीन कंडक्टिंग स्फीयर, एक पे प्लस क्यू माइनस क्यू, एक न्यूट्रल था पहले, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, लार्ज डिस्टेंस कंसीडर करना है, मतलब एक के फील्ड की वजह से दूसरे पे इफेक्ट नहीं लेना है अपन को। अब वायर से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि दोनों का, तीनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल है, चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो होगा कि तीनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, और चार्ज जितना पहले चार्ज है उतना ही चार्ज बाद में रहेगा, ये इनिशियल चार्ज, तो फाइनल चार्ज जो भी इन पे आएगा Q1 Q2 Q3 ये इस तरह से हो जाएगा माइनस क्यू के बराबर, सही है। तो तीनों पे चार्ज माइनस क्यू के बराबर और पोटेंशियल इनका इक्वल हो गया, तो पहले का पोटेंशियल लिख दिया के, चार्ज Q1 कंसीडर कर रखा है बाय आर, दूसरे का पोटेंशियल के Q2 बाय 2R, तीसरे का पोटेंशियल के Q3 बाय 3R। अब यहां से अगर रेशियो देखें तो Q1 इक्वल्स टू Q2 बाय 2, मतलब Q2 Q1 का डबल है, Q3 Q1 का 3 टाइम्स है, तो अगर हम Q1 Q2 और Q3 का रेशियो ले तो ये रेशियो आ गया 1:2:3, क्योंकि इनको कंपेयर किया तो ट्वाइस Q1 इक्वल्स टू Q2 डबल है, और इन दोनों कंपेयर किया तो 3 टाइम्स, तो ये इनका रेशियो आ गया टोटल सम माइनस क्यू के बराबर, तो Q1 इक्वल्स टू हो गया टोटल चार्ज जिसको 1:3 रेशियो में डिवाइड करना है तो 6, और पहले के पास 1 रेशियो जाएगा, तो Q1 हो गया -Q/6, तो इस पे चार्ज आएगा -Q/6, इस पे आ जाएगा डबल -Q/3, इस पे आ जाएगा 3 टाइम्स -Q/2, ये चार्जेस हो गए। तो ये बोल रखा है कि R स्क्वायर के पे चार्ज -Q/3 सही है, 2R पे 0 गलत है, 3R पे -Q/2 सही है, और 2R पे +Q/3 प्लस नहीं है माइनस है, तो केवल फर्स्ट और थर्ड ठीक होगा। अगले पे चलते हैं, इस पैसेज के अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोल रखा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ R, R की पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो R की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं फाइनल माइनस इनिशियल, जो नेगेटिव आएगी जो डिक्रीमेंट के लिए साइन था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो R पे चार्ज अभी हमने कैलकुलेट किया था -Q/6 आया था जो पहले था Q, तो इस पे एनर्जी हो गई फाइनल के Q² बाय 2R, स्फीयर की सेल्फ एनर्जी इतनी होती है के Q² बाय 2R, और पहले की एनर्जी के Q² बाय 2VR, तो ये आ जाएगा 1/36 -1, बाकी वैल्यूज है के Q² बाय 2R, तो 35/36×2 72 के Q² बाय R नेगेटिव का, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा 35/72। फाइनल पोटेंशियल इनका, ये तो गलत हो ही गया सेकंड, तो फाइनल पोटेंशियल इनका, तो पोटेंशियल तीनों का बराबर था, कोई सा भी एक का लिख दो, तो किसी भी एक पे फर्स्ट पे चार्ज ये था के क्यू बाय आर, ये इसका पोटेंशियल हो गया कॉमन, तो ये कॉमन पोटेंशियल तीनों का ये था, तो थर्ड हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड 8th में। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी, जिसके अंदर 6 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो उस इंटीजर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो वाई एक्सिस पे है और करंट है 8 एम्पियर माइनस वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस ये ले लेते हैं और इसमें जो करंट है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में वायर है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई इसमें। अब इसके बाद क्या बोल रखा है, अब फील्ड की वजह से एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और है जो है एक्स में, तो ये डायरेक्शन थी वाई एक्सिस की, ये है एक्स एक्सिस, बाहर की ओर जेड एक्सिस ले रखा है, तो एक एक्सटर्नल फील्ड और है इसी डायरेक्शन में 1.4×10⁻⁶ टेस्ला इधर की ओर।
अब बोल रखा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट 1, 1, 1 और आंसर कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना. तो 1, 1, 1 हो गया एक्स वाई जेड, यहां का ही पॉइंट है वो 1, 1. ये वाला कॉर्नर हो गया. अब इस कॉर्नर पे हमें पूछा हुआ है कि यहां पे फील्ड कितना है. तो देखिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फील्ड इस तरह से रोटेट करता हुआ और ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. तो ये वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई, ये वन, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट टू है. ठीक है, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली और वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2πr और r की वैल्यू है रूट. तो इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻¹⁷, आई की वैल्यू गिवन है 8, 2π, r की वैल्यू आ गई रूट टू. तो यहां से 2 times या रूट टू टाइम्स, तो 8 रूट टू इंटू 10⁻¹⁷ टेस्ला. अब वो डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो इस तरह से रोटेट करता हुआ, तो यहां से परपेंडिकुलर इस आर के, मतलब अगर इस प्लेन को इधर से घुमा के देखें, ऊपर की ओर एक्स एक्सिस ला दे, इधर की ओर जेड एक्सिस ला दे, ये ऐसे था, ये इधर पॉइंट था, रोटेट करके सामने से देख रहे हैं. तो इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, वायर में करंट इनसाइड, तो इस तरफ डायरेक्शन है उसकी. तो देखें z एक्सिस, x एक्सिस, पॉइंट यहां था इस डायरेक्शन में. अब ये 1, 1 था, तो ये 45 डिग्री है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया, तो इसके दो कंपोनेंट बोल सकते हैं, एक इधर की ओर b बाई रूट टू और एक इधर की ओर b बाई रूट टू. तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो z कंपोनेंट आ गया b बाई रूट टू माइनस का और x कंपोनेंट आ गया b बाई रूट टू माइनस का. तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी इसमें x, एक मिनट, z अपन ने डायरेक्शन उल्टी ले रखी है, ये डायरेक्शन z थी, ये x है और ये डायरेक्शन नीचे की ओर z है. तो z में कंपोनेंट पॉजिटिव है, x में नेगेटिव है. ठीक है, अब ये आया था b, b by root 2 हो जाएगा 8, कोई सा भी एक पार्ट हो जाएगा 8 into 10 to the power minus 7. अब x में मेन तो दिक्कत यही है कि x में मैग्नेटिक फील्ड आ गया 8, इतना नेगेटिव में पहले से प्रेजेंट है ये. और तो दोनों को देखें, इसको कन्वर्ट कर दो, डेसिमल हटा दो और इधर 7 कर दो. तो पॉजिटिव x में था 14 into 10 to the power minus 7 और नेगेटिव x में आ रखा है 8 into 10 to the power minus 7. तो इसलिए x में नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया 6 into 10 to the power minus 7 x में आ गया. और z में कितना था, ये x में था, z में आ रखा है b by root 2, मतलब 8 into 10 to the power minus 7. दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 64 प्लस 36 100 रूट 10 into 10 to the power minus 7. तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया जिसमें ए की वैल्यू पूछी हुई, जो 10 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में एक एसी वोल्टेज 100 वोल्ट अप्लाई किया ए और बी पॉइंट के बीच में, ये रहा ए, ये रहा बी. इनके बीच में जब 100 वोल्ट एसी अप्लाई किया हुआ है, तो उस टाइम पर इसमें करंट फ्लो रहा है 12.5 एम्पियर, एसी करंट है ये, और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज डेल्टा वाई. अब यहां पे इंडक्टर है, तो करंट लैग कर रहा होगा वोल्टेज से, तो वोल्टेज वाली लाइन अगर ये कंसीडर कर लें, तो करंट लैग कर रहा है फाइव एंगल 53 और करंट की वैल्यू आ रही थी 12.5 ये वोल्टेज. ऐसे ही बाद में बोल रखा है कि अब इसमें ये 37 है, बाद में अप्लाई किया बी और सी के बीच में, इनके अक्रॉस एसी सोर्स अप्लाई किया, सेम वोल्टेज 100, तो अब करंट की जो वैल्यू है वो आ रहा है 50/3. अब इसमें कैपेसिटर है, तो करंट लीड करेगा, तो सेम वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, डेल्टा फाई की वैल्यू है 53 और करंट की वैल्यू है 50/3 एम्पियर. अब क्या बोल रखा है कि अगर सेम वोल्टेज अप्लाई करें ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में सेम वोल्टेज अप्लाई करें, तो करंट कितना फ्लो रहा होगा एम्पियर इस चेन में वो बताना. तो क्या करो, इन दोनों वोल्टेज और करंट से पहले ये कैलकुलेट कर लो कि इनकी इंपेडेंस की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी है. तो इनका जेड हो जाएगा वी बाई आई,
वी बाई आई, आर एम एस बोल दो, पीक बोल दो, दोनों सेम ही है, वैसे आर एम एस वैल्यूज गिवन होती है ये। तो वी बाई आई की वैल्यू हो गई 100 बाई 12.5, ये आ जाएगा 8 ओम, ये आ गया। इसके अंदर जेड की वैल्यू कैलकुलेट की, वोल्टेज लगाया 100 बाय करंट की वैल्यू है 50 बाई 3, तो ये आ जाएगा 6 ओम। तो एक इसका इंपीडेंस 8, इसका इंपीडेंस है 6। अब क्या किया, दोनों एक साथ है सर्किट में। अब देखो यहां पे या तो हम इसको ऐसा करें कि रेजिस्टेंस अलग निकाल लें, इंडक्टर अलग निकाल लें, या फेजर में बना लो कि अगर पहले का इंपीडेंस ये जेड है 8, इधर बनाना चाहिए, पहले का इंपीडेंस 8 है, ये 37 पे है, दूसरे का इंपीडेंस 6 है जो 53 पे है। अब 653 पहले का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, 837 दूसरे को रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड भी होना है। पहले का जो कैपेसिटेंस है इसका, वो रिप्रेजेंट करेगा 6 sin 53, दूसरे का इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेगा 8 cos 30 sin 37, और वो दोनों फेजर में भी अपोजिट है। वैसे भी हमें लिखना था XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का रूट, ये Z लिखना होता है पूरे सर्किट का। Z ये लिखना था, तो इस फेजर के अकॉर्डिंग भी वो डिफरेंस में ही आ रहा है और फेजर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस एड में आ रहा है, तो इसलिए यही कर लो कि दोनों का रिजल्टेंट यहीं पे निकाल लो। तो 8 और 6 का रिजल्टेंट कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल हो गया 37 53, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट 10, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस 10 है, तो 100 वोल्ट अगर लगाएंगे तो वोल्टेज बाय इंपीडेंस जेड जिसकी वैल्यू है 10, करंट की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। तो इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा जब ए बी के अक्रॉस लगा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 के अंदर हाफ लाइफ दो आइसोटोप्स एक्स और वाई की दे रखी है, एक की है 2 यूनिट, बाकी जो भी लिखा हो, दूसरे की है 4 यूनिट, और इक्वल नंबर है आइसोटोप के शुरुआत में। करंट एज प्लेनेट की बतानी है, अगर करंटली एक्स जो है वो 20% है वाई के कंपैरिजन में, वाई जो है 80% बाय नंबर, ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये एज कितनी है। तो मान लो शुरुआत में एक्स एन नॉट थे, वाई एन नॉट थे, अब फाइनली कितना रह गया, 20% ये रह गया, 80% ये रह गया, मतलब 1:4 रह गया इनका रेशियो वाइज। तो 1:4 पहली हाफ लाइफ, एक्स की हाफ लाइफ है 2, तो पहली हाफ लाइफ जब 2 पास हो जाएगी तब ये हो जाएगा एन नॉट बाई 2, और इसकी हाफ लाइफ पहले होगी जाके 4 यूनिट पे, तो 4 यूनिट पे ये जाके होगा n0/2, और 4 पे ये कितना हो जाएगा, 4 पे ये हो जाएगा n0/4। तो एक हाफ लाइफ के बाद, इसकी एक हाफ लाइफ के बाद ये 1:2 में है, 1:2। अब अगला ये हो जाएगा n0/8, n0/16, ये हो जाएगा n0/4। अब देख लें इन दोनों का रेशियो जाएगा 1/4 आ गया, और 1/4 ही चाहिए था, तो 1/4 मतलब इसके 2 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गए, इसके 4 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गए। या फिर पूरा इक्वेशन लिख के कर सकते हो कि पहले के अकॉर्डिंग लिख दिया n = n नॉट e रेज पावर माइनस t लैम्डा 1t, ऐसे दूसरे के लिए लिख दिया n नॉट e रेज पावर माइनस लैम्डा 2t, और रेशियो 1:4 होता था, तो रेशियो 1:4 ऐसे कर लो। तो यहां से आ गया 2 हाफ लाइफ मतलब 8 × 10⁻⁹ ईयर, ए की वैल्यू पूछी थी तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक ओपन टैंक है, 10 मीटर लेंथ है उसकी, 2 मीटर डेप्थ है, ऐसे टैंक। अब बोल रखा है कि 1.5 मीटर हाइट तक स्पेसिफिक ग्रेविटी इतने का एक लिक्विड भर दिया, 1.5 मीटर हाइट तक। अब बोल रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंथ के अलोंग, ताकि ये स्पीड जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से ये स्पीड इसको मिल गई, तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना है ताकि जो लिक्विड है या ऑयल है वो बाहर स्प्लिट ना हो, बाहर नहीं निकले, तो ये लिक्विड बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए सेफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है वो निकाल ले, ताकि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। टाइम मिनिमम पूछा हुआ है, तो मिनिमम टाइम तभी आएगा जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले लेते हैं। तो जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे लिक्विड सरफेस इंक्लाइन होने लगेगी,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये मान रहे हैं कि कोई ऑसिलेशन नहीं हुआ, सीधा सीधा ही लिक्विड सरफेस ऐसे हो रही है। तो ये वाला अगर एज पे टच करेगा तो वॉल्यूम इक्वल रखने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस ऐसे रहेगा। तो ये हाइट है 0.5 का गैप था, तो ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, तो 10 मीटर पे 1 मीटर हाइट हो गई लिक्विड की। तो हाइट से ये एंगल निकाल लिया 10 थीटा इक्वल टू 1/10, और यहां पे 10 थीटा की वैल्यू जब एंगल एक्सेलरेट करवाते हैं तो a बाई जी के बराबर होती है। अब g की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब 1 से इसको एक्सेलरेट करवाया है तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड लग जाएगा, 1 का एक्सेलरेशन है तो 20 सेकंड में इसको ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में बोल रखा है कि सेवंथ हार्मोनिक है स्ट्रिंग में, दोनों एंड फिक्स है, तो सम बताना है नोड और एंटी नोड का। तो एक स्ट्रिंग सेवंथ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक मतलब 7 लूप है, ये है। अब नोड कितने हो जाएंगे, तो एक लूप के अराउंड 2 नोड हो गए, 2 लूप होंगे तो 3 हो जाएंगे, तो टोटल 7 लूप है, तो 7 लूप के करस्पॉन्डिंग नोड हो गए 8। एक लूप के अंदर एक एंटी नोड होगा, ऐसे टोटल एंटी नोड हो गए 7, तो टोटल 15, तो 15 टोटल नोड और एंटी नोड इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ। इस वाले क्वेश्चन में सिस्टम को रिलीज किया रेस्ट से, स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी, मास ऑफ ब्लॉक 10 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट 100, मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है स्प्रिंग में कितना होगा। तो देखिए मैक्सिमम एलोंगेशन जब स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर रिलीज कर दिया रेस्ट से नेचुरल लेंथ से, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन जो आएगी, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम एक तरह से SHM ही करेगा, तो मीन पोजीशन जो इसकी रहेगी, मीन पोजीशन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक की आएगी। तो मीन पोजीशन पहले निकाल लेते हैं, तो मेन पोजीशन पे क्या रहेगा, ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स लगेगा, और वो टेंशन फोर्स इधर से इस टेंशन फोर्स को यहां से kx और इधर भी tkx होगा, तो 2kx बोल सकते हो। ये स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, उतना टेंशन फोर्स पूरे में होगा, तो ऊपर की ओर 2kx फोर्स, नीचे की ओर mg, तो वहां से x की वैल्यू आ गई, x क्या है, स्प्रिंग में एक्सपेंशन मेन पोजीशन तक, तो x की वैल्यू हो गई mg / 2k। एम दे रखा था यहां पे 10, जी की वैल्यू 10 बाय 2, के की वैल्यू 100, तो यहां से ये वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू 1/2 मीटर आ गई। तो यहां पे जितना यहां से ऊपर था उतना ही नीचे और जाएगा, तो मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग में कितना आ जाएगा, डबल, तो मैक्सिमम एलोंगेशन इसका डबल 1 मीटर के बराबर आ जाएगा, तो 1 मीटर का मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। तो इसी के साथ पेपर डिस्कशन खत्म होता है अपना। थैंक यू।